कितनी इज्जत करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। सर आप एमपी हैं सर, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? इनकी वजह से ही एमपी बना हूं। इनकी पोती से शादी होने तक इज्जत देते हैं। सर नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते। hey, चेयर लगा दो। ए, सुनो, मंदिर के पास वाली क्रेन को साइड में घुमाओ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ हाँ घुमाओ, लेफ्ट 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 घुमाते रहो। अब मंदिर में ड्रिल कर दो। यस, अब मंदिर में कर दो ड्रिल। रुको, जाने दो। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर। बर साले, कितने हजार करोड़ रुपए मालूम है? सर सर कोई आ रहा है। बेटे बेटे, कौन थे वो लोग? किसने मारा तुम्हें? बोलो। गांव को अगर आपको बचाना है तो मंदिर खुलवाइए, मंदिर खुलवाइए, मंदिर खुलवाइए, मंदिर। ये गांव अगर हमें बचाना है तो वो बांध वाला मंदिर हमें खोलना होगा। 70 साल पहले राजा लिंगेश्वरन के बनाए उस मंदिर को हमें फौरन खोलना होगा। ये मेरा आदेश नहीं, उस राजा का आदेश है। रात को सपने में उन्होंने खुद आकर कहा, मैं अभी बता रहा हूँ। ये तो होना ही था। वो मंदिर में छेद करने वाले को जब जंगली हिरन ने सींग से मार डाला तो मैं समझ गया कि ये होगा। क्यों एमपी साहब, आपकी क्या राय है? अगर गांव के लिए सही है तो फौरन खोल देना चाहिए। जी हाँ, फौरन खोल देंगे, लेकिन एक जरूरी बात, राजा लिंगेश्वरन के बनाए उस मंदिर को हम अपने हाथों से नहीं खोल सकते। ये मेरे पिताजी की खाई सौगंध है। मंदिर के द्वार राजा के वारिस ही खोलेंगे। दादाजी, सुना है कि राजा के इकलौते बेटे का भी स्वर्गवास हो चुका है। राजा लिंगेश्वरन के एक पोते हैं, पर वो कहाँ होंगे क्या पता। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। ए भाई, दुनिया घूमने वाले। क्या है दोस्त? तो कैसा है रे, जेल के अंदर भी इतनी खुशी खुशी सपने देखता है। आज कौन कौन से देश में घूम के आया? ब्राजील, लंदन, फिलीपींस, नॉर्वे। उन सब देशों में हम लोग ही साथ थे ना? नहीं रे। मालूम है, जेल जाने के टाइम हम सबको साथ लेके जाओगे और जर्मनी में अकेले अकेले घूमोगे। कुछ भी, एक हफ्ते में सारी दुनिया कोई घूम सकता है क्या? इसे क्या आपने जैसा फालतू समझ रखा है? ये रॉयल ब्लड है, राजा लिंगेश्वरन का पोता है। तुमसे कितनी बार कहा उस आदमी का नाम? मतलब सॉरी, जबान फिसल गई। ड्रीम ले எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ற? லைவ்ல அமெரிக்கா லண்டன்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசை இல்ல உனக்கு? ஆசை இருக்கு குண்டா, அது டப்பு இல்ல, அதுக்கு தான் பெருசா செட்டில் ஆகலாங்கறேன். நீ தான் கேட்கவே மாட்டேங்கற. யாரு உங்களை வச்சீங்கனா? திருட போற வீட்ல யாரும் இல்லையா பாருங்கடா, நான் காலிங் பெல் அடிச்சு பாக்குறானுங்க. இந்த லட்சணத்துல உங்களை வச்சு பெருசா அடிக்கணுமா? பேசாம பாலிடிக்ஸ்ல இறங்கிடலாம்பா. எப்பா, ஒரு கவுன்சிலர் ஆனா கூட கன்னடால போய் செட்டில் இல்லாம்பா. டேய் தனி டேக்ஸா, அதெல்லாம் உனக்கு கஞ்சதனம். ஆவறது ஆவறாரு, ஒரு கவர்னரு, ஒரு பிஎம்ஏ, ஒரு சிஎம். ஏலி காப்பிரல சுத்த விட மாட்டிய. அம்மா மகளே, லோ தேக் லோ, கணபதி கா சூஹா கோகல்ஸ் பென் கே. ஓ, தோ ஃபிர சே ஆ கயே லோ. குட் மார்னிங். இன்கா எஃப்ஐஆர் ஹோ கயா கே? நஹீ ஹுவா சார். கியூ நஹீ ஹுவா?
क्यों नहीं हुआ? मालवाल कुछ आया नहीं सर। इस गैंग के बारे में जानते नहीं क्या तुम लोग? इनसे माल की उम्मीद कर रहे हो? अबे ये लोग माल में ना तो हमें कोई हिस्सा देंगे और ना ही कोई माल देकर इन्हें छुड़ाने आएगा। मेरा नाम लक्ष्मी है सर। लक्ष्मी आई है? दाया पैर रख के अंदर आ जाओ देवी। लक्ष्मी नाम सुनती कैसे लहरा रहा है देखो। अबे कौन है ये? इमली से मांजे हुए पूजा के बर्तन की तरह चमक रही है। क्या चाहिए देवी? बेल चाहिए सर। बेल चाहिए? किसे छुड़ाना है लक्ष्मी? सही है। मुझे बेल पर छुड़ाने आई हो? तुम ही हो ना राजा लिंगेश्वरन के पोते के लिंगेश्वरन? हाँ हूँ। तो क्या हुआ? तो फिर इन्हीं की बेल करानी है सर। सर ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता। Shut up! तुम कितने बड़े एक्टर हो सारी दुनिया जानती है। मेरे सामने एक्टिंग मत करो। सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मेरे बगैर? तुम्हारे बगैर नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी। वजन कम है। ये एग्जाम में चीटिंग करने वाली लड़की की तरह कहां कहां से नोट निकाल रही है। 10,000। ओके देवी। ओपन द सेल। लिंगा तनिया वरमाटा पढ़ना एलआरयू रिलीज पा नंबेन डा एलआरयू रिलीज पढ़ना ना लक्ष्मी इन्नु कुंज लक्ष्मी वेणुमा। இன்ன ஒரு அடக்கமான பொண்ணு சாத்விகம் பா குடிப்போம். ऑडियो ओके मैडम। सब अंदर आ जाओ। आई लव मीडिया टुकड़ा छुपाओ। हाँ शूट के लिए रेडी हो जाओ। लाइट इधर करो। रेडी मैडम। ओके रोल कैमरा रोलिंग। नमस्ते, अभी आपने जो फुटेज देखा वो शिवराज नगर F23A पुलिस स्टेशन से है। ये इंस्पेक्टर इधर घूम। राजवर्मन को FIR किए बगैर पैसे लेते हुए आप सभी ने कैमरे पे देखा। ये हमारे देश में चल रही सबसे बड़ी लूट है। देश के हर लूट की शुरुआत इसी तरह होती है। कैमरामैन देवराज के साथ लक्ष्मी, पब्लिक टीवी। माफी मांगो सर, माफी मांगो। मुंह बंद कर। क्या है मैडम? आपको देखा तो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप लगा। मेरी अक्कल मारी गई। पैसे तो दिखे पर मुझे कैमरा नहीं दिखा मैडम। इन्होंने ही हफ्ता लेना सिखाया मुझे इन्होंने। मैं तो छोटे बच्चे जैसा हूँ मैडम। आज मंगलवार है ये भी भूल जाऊंगा। आपके पैसे लौटा देता हूँ। आर नोट कोरे दे। ஏ பங்குதான் நினைச்சு கை வச்சிட்டேன். கை மாத்திர கேப்ல ஆறு நோட் அடிச்சிட்டானுங்க. நம்மள விட கேடியா இருப்பானுங்க போல. இன்கு லே ஜா சக்தியோ நா குஷி சே பஹன் சலோ. மா 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 என்ன எடுத்து ஃபுட்டேஜ் மா பப்ளிக் கேளுங்க. பப்ளிக்கா? பப்ளிக்ல உதவுதானே கொடுப்பாங்க. பப்ளிக் டிவி. கே கஹா சிவஜி கா மந்திர் முஜே கோல்னா ஹை? क्या मजाक कर रही हो? 70 सालों से मंदिर बंद पड़ा हुआ है ना, तो दरवाजे थोड़े टाइट हो गए होंगे। किसी कारपेंटर को बुलवा के खुलवा लो। हैं? इन्हें क्यों तकलीफ दे रही हो? हाँ हाँ हाँ, ये जोक है। जोक है तो हंस दो, वीक है तो छोड़ दो। एक हफ्ते से तुम्हें ढूंढ निकालने के लिए कितने लोग लगाए हुए हैं पता भी है तुम्हें? बड़े लोगों के साथ यही होता है। अच्छा ये तो बताइए आपने ढूंढा कैसे? मैं रियलिटी शो करती हूँ। राजा के पोते को पैलेस ढूंढने के बजाय उसके जन्म स्थान और जहाँ वो पला बढ़ा वहाँ ढूंढा। आखिर में ऐसी चोर मंडली के बीच मिलेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सुनो, तुम्हारे दादा कितने बड़े राजा थे जानते हो? और तुम कितने बड़े चोर निकले। हाँ हूँ मैं चोर। शांत, मैंने भी सुना है
मेरे दादा ने तालाब खुदवाए, मंदिर बनवाए, ये किया वो किया, पर मेरे लिए क्या किया? मेरे बाबा के लिए क्या किया? एक छोटी सी झोपड़ी तक नहीं छोड़ी। आखिर मैं स्कूल मास्टर की नौकरी करते करते चल बसे। मेरे माँ बाप ने कितनी तकलीफें उठाई है पता है? सोचता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। मेरे दादा अच्छी तरह जीकर ऐश करके एंजॉय करके खुद तो इस दुनिया से चले गए और मैं अभी भी सपनों में जी रहा हूँ। कितने दिन कितनी बार उनके पैलेस के दरवाजे पर जाकर खड़ा रहा था, मैं अंदर भी घुसने नहीं दिया। हाँ, सब सत्यानाश करके सिर्फ नाम छोड़कर चले गए, लिंगेश्वरन राजा जी। अरे मैं तो ये नाम भी हटा देता लेकिन भगवान का नाम है इसलिए कट करके लिंगा रख लिया। है खाना खा रहे? देख रहा है कब से। तुम्हें अपने दादा की इज्जत नहीं है? हमारे गांव आके देखो, वहाँ कितनी इज्जत है उनकी। हाँ, पैसे पास में हो तो नाम इज्जत सब अपने आप आ जाते हैं, लेकिन तकलीफ आए तो कोई पास भी नहीं फटकता। पुराने जमाने के कर्ण से लेकर आज के महमूद साहब तक यही देखा है। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, उसी के लिए चोरी करते हो ना? कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं देती हूँ। हेलो, क्या पैसा? पैसों का नाम सुनते ही दौड़ के आ जाएंगे लगता है। पैसा पैसा करती है, वैसे कितना मिलेगा? अरे छी, सुनो लड़की, काम कोई भी हो मन को पसंद आना चाहिए। मैं किसी भी काम के पैसे तभी लेता हूँ जब मैं खुद मेहनत करता हूँ। चोरी करने में मेहनत कहाँ से आई? आँख कान नाक मुंह दिल दिमाग हाथ पैर, ये सारे पुर्जे मिलकर जिस काम पर मेहनत करते हैं उसी को चोरी कहते हैं। किसी भी धंधे में सो सकते हैं पर बिना सोए एक ही धंधा होता है, चोरी का धंधा। छोड़ो ये इसके पल्ले नहीं जाओ कबूतर। यस, बात तो बाकी है अभी। हाथ उठा के जेब में रख ले। लिंगा लिंगा प्लीज। एक तो जेब में माल भी नहीं है। हाँ, लेकिन अपन की स्टाइल के अंदर कोई भी कमी नहीं है। वन मिनट। एनीवे थैंक यू वेरी मच। किस लिए? हमारी बेल करवाने के लिए। कैन आई हग यू? ओह सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, सिर्फ एक बार हमारे गांव चलोगे प्लीज? ये सिर्फ एक बार बोलते समझ जाओ, खामखा इंश्योरेंस एजेंट की तरह नन नन करने की जरूरत नहीं है। काम हो गया माय लॉर्ड। हाँ। तो कबूतर, इनको कैसे गांव ले जाऊंगी? अरे मेरी चेन। आठ हजार देगा யார் தரான்? நான் தரான். தரான் சொல்லியா? ஏம்மா லிங்கா, இந்த சேடுக்கு உன் தமிழ் சொல்லி கொடுப்பா. சொல்லி கொடுத்தா வந்துருமா? வேலையை பேசுப்பா. ரிசெட் 8000 4 दिन भी नहीं चलेंगे। मॉडर्न लड़कियों से मारोगे तो ऐसा ही होगा। मॉडर्न लड़की है ये, तेरे को कैसे पता? वो लोग ऐसा ही लाइट स्टाइल पहनते हैं। क्या करें, हम भी वजनदार माल पे हाथ मारना चाहते हैं सेठ जी, पर जेवर पहने हुई औरतें हमारी बेल कराने को नहीं आती ना। क्यों सेठ जी, तुम्हारी घरवाली बहुत सारे गहने पहनती है? हाँ हाँ पहनती है, पर सब नकली। क्यों सेठ, बीवी को नकली जेवर पहनाते हो क्या? तुम्हें क्या कमी है? हाँ हमारे पास बहुत है, लेकिन साले चोर लोग भी तो बहुत है। नहीं नहीं तुम्हें नहीं कहा। खुद के बारे में बता रहा है भाई। ये लो तुम ही रखो, टेंशन मत लो सेठ जी। क्या लिंगा, तुम भी इस चिल्लर पार्टी के साथ मिलकर छोटा छोटा हाथ मारता है। बड़ा हाथ कहाँ से मारे, सभी नकली गोल्ड पहनकर घूमते हैं, अब तो किसी बैंक को ही लूटना पड़ेगा। वो सब तुमसे नहीं होने वाला। अरे हाईटेक चोर भी फंस जाते हैं, ये देखो एक 5-स्टार होटल में 3 दिन तक ललिता ज्वेलरी की एग्जीबिशन कम सेल चलने वाली है, उसमें से सिर्फ एक नेकलेस मार लो बस 1.5 करोड़ रुपए देगा। है? दूंगा। एक नेकलेस का 1.5 करोड़? वो कोई मामूली गोल्ड नेकलेस नहीं है, पन्ना का कीमती नेकलेस है। जरा रुक जाओ सेठ जी, नेकलेस कैसे चुराना है उसका आइडिया लगा रहे हैं बॉस। ये बताओ पन्ना क्या बहुत कीमती होता है? हाँ भाई इतना ही नहीं, वो नेकलेस एक एंटीक पीस है। आंटी वांटी पसंद नहीं है भाई को? लिंगा मेरे को हिंदी सिखाने से पहले इसको इंग्लिश सिखा। कम टू सेंटर। यस माय लॉर्ड। टुमारो लिंगा कमिंग विद दैट 1.5 करोड़ का एंटीक पीस। लिंगा पर उसको चुराना इतना इजी नहीं है। जिंदगी में कुछ आसान नहीं, कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। कम ऑन बॉयज। कबूतर मैडम मैडम डोंट टच। हम लोग हर महीने जेवर खरीदते हैं, और बताओ मेरे हस्बैंड कैश देकर लेते हैं। हाँ। और हमारे गांव में जाकर रख देते हैं। अच्छा आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो एलिमेंट्री स्कूल चलाते हैं। ये पक्का टीवी में आएगा ना? सिर्फ यही नहीं, आईटी वाले भी आएंगे आपके घर। हाँ ले दो, उनके बच्चों को भी हमारे स्कूल में भर्ती कर लेंगे। सो वेलकम सर। हेलो सर। थैंक यू। और भी कहा था मगन लाल ड्रेस वाला से मत लेना, पुराना गांव ने खुजली हो रही है। आइए सर आइए। कौन से स्टेशन से आ रहे हैं आप? सॉरी कौन से देश से आ रहे हैं? यही मेरा वतन है। ड्रेस वगैरह तो सुपर्ब है। कहाँ से मारा, कहाँ से सिलवाया? स्विट्जरलैंड। अच्छा मेरी चेन कितनी में बेची? 8000 रुपए। ए सिक्योरिटी मैडम डोंट डिस्टर्ब। सर 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 ओरे रुको शिंजा सर। केलेंगे केलेंगे। इव यार सर, इवंगे यार सर। என் பொண்டாட்டி? ஆமா உங்க பேர் என்ன மேடம்? மீரா। இந்துவா? ஐயோ இல்ல ஜாஸ்மின். கிறிஸ்டினா? ஐயோ உவா கன்வெர்ட்டட். இப்ப நாஜர். ஆ நஜரியா? உங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் என்ன மேடம்? அமானிக் பாஷா. இஸ் இட் ராஜா? மேடம் மேடம் என் ப்ரோக்ராம் நைட்ல போட சொல்லுங்க, பகல நான் ரொம்ப பிஸியா இருப்பேன். ஓகேம்மா. தேங்க்யூ மேடம். மாயமாயிட்டானுங்க.
सीसीटीवी कैमरा सब ऊपर लगे हैं, नंबर नोट कर लो। 14, 15, 16, 17 दोनों हाथों में खुजली हो रही है, बुरखा डाल के इसे। अरे अरे साहब, इसको मत छूना, छूओगे तो अलार्म बजेगा। हेलो जेंटलमैन, यू वांट दिस ज्वेलरी? व्हाट्स द प्राइस? 3 crores। 1.5 करोड़ बोला था सेठ ने। नो, ये उदयपुर की महारानी का पहना हुआ एंटिक पीस है। सुनिए जी, मुझे दूसरों का उतारा हुआ नहीं चाहिए, नया ले दीजिए ना। हम चलते हैं। और बहुत सारे मॉडल्स हैं, देखिए सर। चलिए ना, दिखाइए ना। जो कहा सब याद है ना? यस बॉस। सब कुछ याद है। कबूतर। ओके या वेलकम सर। थैंक यू। ஓபி வந்து எல்லாம் கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க. ஓகே ஓகே. இங்க கேமரா தெரியுதா? தெரியல. ஓகே கேர்ஃபுல், பை. யா யா, ஏ கே கபட் மே நாப் தோல் கர் ரஹா ஹை. டேக் திஸ் சாக்லேட். You take this. मैडम, क्या है? मेरी पिक्चर टीवी में कब आएगी? संडे इवनिंग। थैंक यू मैडम। यहाँ किसे ढूंढ रही हो रानी? आप ही को। अपने हाथ की सफाई से यहाँ कुछ नहीं मार सकते राजा। मैं किसी काम में उतर गया तो पूरा किए बिना नहीं छोड़ता, और ना होने वाला काम लेता ही नहीं। मैं भी ऐसे ही हूँ, तुम्हें फंसाए बगैर यहाँ से जाऊंगी नहीं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा, तुम्हारी वाइफ कहाँ गई? वो अंदर कपड़े बदलने गई है। ए, ज्यादा जोर मत लगा, कहीं डिलीवरी हो गई तो। सर टी। अरे अभी अभी तो पिया मैंने। नहीं सर, स्पेशल टी है, पी कर देखिए ना। तुम कौन हो? नए लग रहे हो मुझे यहाँ पर, पुराना वाला कहाँ गया? उसके पेट में गड़बड़ हो रही थी, इसलिए मुझे ड्यूटी देकर गया है सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, द टाइम इज अप टुडे, प्लीज विजिट अस टुमारो। थैंक यू। टाइम हो गया, टाइम अप सर, चलिए अब जाइए। सिक्योरिटी। कितने स्ट्रॉन्ग हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? टीवी देख रहा हूँ। मजाक करते हो? कल इसी टीवी में तुम्हारी फुटेज दिखाऊंगी। कौन सा फुटेज? मेरा लिया हुआ फुटेज, सब रिकॉर्ड हो गया है। ये देखो कैमरा। ये देखो कैमरा। कैमरा कहाँ गया? अरे मेरा कैमरा, मुझे दे दो, वापस दे दो। बहुत ही कॉस्टली था मालूम है। अरे पर ये कैमरा हटाया कैसे? मुंह की सफाई। भूलो मत, कल टीवी पे हम दोनों आएंगे। अरे जा। कहाँ जाऊँ, मैं बाहर जाकर सबको बताने वाला हूँ कि हम दोनों यहाँ चोरी करने आए हैं। हेलो, कौन है, कौन है, किसने बुलाया मुझे? लोग हंसेंगे, प्लीज साइलेंट रहो। उठिए सर, उठिए। पकड़ो। मेरी मान मर्यादा की धज्जिया उड़ जाएंगी। उस तरफ से कुछ आवाज आई है, जरा जाकर देखो। ठीक है सर। देन डू व्हाट आई से। दरवाजा खुलेंगे तो बंद नहीं करेंगे, इनका यही धंधा हो गया है। नए लोग लेंगे तो यही होगा ना, काम करने कौन आता है, बस लड़कियों को देखने आते हैं। मालिक को सही आदमी को काम पे लेना चाहिए, सभी को काम पर रख लेते हैं, ऐसा ही होगा ना फिर। अरे थोड़ा तो सोचना चाहिए, बिना इंटरव्यू के ही भर्ती कर लेते हैं, कौन समझाएगा इन्हें। कम कम कम। अरे कमर क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ क्यों दिया? ओहो, लॉकर के चले गए, अब हम दोनों अकेले अंदर क्या करेंगे? चीनो। ओए, देख तो। ये क्या, पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर कोर्ट के अंदर है। इसे पकड़ो, जहां मैं कहता हूँ मार्क करो। मार्क किया। मैं कोई बिल्डिंग थोड़ी बना रहा हूँ, छोटा सा मार्क करो। ये टिक रहा है, ताले नहीं लगा। इधर ना कॉर्पोरेशन पार्क का मार्क किया। இன்னும் சிறுதா போட முடியாதா? கொஞ்சம் பெருசா போடணும். பெருசா போட பெருசு எனக்கு கத்துற, சின்னதை போட சின்னது எனக்கு கத்துற. இங்க ஒரு மார்க். நான் போட மாட்டேன், நீ போட்டுக்கோ. என் லம்பா செல்ல இல்ல, பிளீஸ் மார்க் பிளீஸ். பத்தாவது கணக்குல இதான் மார்க். செக்யூரிட்டி
எஸ் சார். என்னையா அது நீ கொடுத்த டீயை குடிச்சோன்னு தூக்க தூக்கமா வருது? ஸ்பெஷல் டீயை குடிச்சா உங்களுக்கு தூக்கம் வருதுன்னா உங்க மூஞ்ச மூதே லீஸுக்கு எடுத்திருக்கான்னு அர்த்தம். கோமி தச்சா சரியாயிடும் சார். ये क्या कर रहे हो? कल की एम्प्टी रिकॉर्डिंग है ना, वो अभी प्ले होता रहे, ऐसी सेटिंग कर रहा हूं। वो सब सेट नहीं होगा। अबे तो सोना यार। मैं जहां तेरे जमे रिकॉर्ड हो लेने। डे बेंडू आया, लिंगा ना उन्हें मर मांगा नहीं चाह। आधे ग्राह इधर कुर्ता मिचर कर ला। स्टिकर बोटे, इधर से ना बनवा। ये पोपार, लिंगा उड़िया, रंगा वैली। இப்ப எப்படி ரெக்கார்ட் வர மாதிரி இல்ல? அப்படியே இருக்குப்பா. டேய் மஞ்சா பைய காமிச்சு மாத்தி விட்டுறா, அது உள்ள வைடா. அரி தும் தோ படே இன்டெலிஜென்ட் ஹோ. ஆ போலோ. अच्छा प्लेबैक शुरू कर दिया है, फिर भी रिकॉर्ड होगा क्या? एक मिनट रुको। अच्छा सीसीटीवी कैमरा में प्लेबैक चलते टाइम लाइव रिकॉर्ड होगा क्या? जरूर होगा। हाँ जरूर होगा। ओहो फिर तो तुम फंस जाओगे। वो सब छोड़ो, वो सब मैं संभाल लूंगा। अच्छा भाई ये सब तुम किससे पूछ कर बता रहे हो? वो एक्चुअली मैं किसी से भी बात करूँ यह जानना जरूरी है क्या? इडियट रास्कल फोन रखो। कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा रहा है, कोई पार्टी फंसी है क्या? किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अरे अरे कहाँ जा रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि प्लेबैक चलते वक्त भी लाइव रिकॉर्ड होगा। हाँ तो? तो कैमरा बाहर है ना, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ तो? अरे नास पीटे, तुम्हारी चुगली में मुझे भी फंसा दिया। तुम्हें तो कैसे अकेला खा रहा है? देखो बच्चों से लिए हुए बलून यहाँ क्यों लटका रखे हैं? क्या है शौली की, क्या कर रहे हो? अरे बज रहा है। देखो भाई ठीक से देखो, एक एक आदमी एक एक रूम में जाओ। चलो शुरू हो गया, सुपर। मैया रक्षा करो मेरी। या चैन से बैठने नहीं देता कोई, यूजलेस, सो रहा है। चेकाओ इसे। 1 2 3 4 सभी ठीक तो हैं? कहां से आवाज आ रही है? अरे कम फास्ट, गो 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 फास्ट। क्या रे, काम के टाइम सो रहा था? सॉरी सर। बड़े चालाक हो यार तुम। अब तुम पकड़े जाओ। हम पकड़े जाएंगे बोलो। जल्दी जाओ, सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं जाओ देखो। शिवा सर, व्हाट्स हैपनिंग हियर? ये अलार्म क्यों बज रहा है? पता नहीं सर। सर एवरीथिंग परफेक्ट सर, ज्वेलरी अपनी जगह पर ही है। छिपकली से इतना डरते हो? सिर्फ उसे ही नहीं। ठीक है ठीक है, मारो उसे। आई थिंक शॉर्ट सर्किट हुआ। उसका कोई चांस नहीं है सर, मेरा मामा यहाँ का चीफ इलेक्ट्रीशियन है। कहीं चूहे का प्रॉब्लम तो नहीं है? चूहे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ये घूसी बोल रहा है। नहीं आलम ऑफ ऑन यान बने इलेने मैंने जिंदे लबो दिवन गतवा। डू इट फास्ट। पहुंच जा। हां पहुंच पहुंच। हेलो यस सर, अटेंड द कॉल। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। या टेल मी सर। பொறுப்பில்லாம தூங்கினா இப்படிதான்? ஹோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செக் பண்ண தூங்க முடி. ஹலோ முதல்ல ரீவின் பண்ணி அலாம் சவுண்ட் எங்க இருந்து வருதுன்னு பாரு. அதுக்கு தான் சார் இந்த மவுஸ காணோம் தேடிட்டு இருக்கேன். எங்கயா வச்ச? இந்த டேபிள் மேல தான் சார் வச்சேன். டேபிள்ல வச்சா பறந்தா போகும், தூங்கிட்டு தான் இப்படிதான். செக் பண்ண சார். மறுபடியும் எங்கயா போற? மறுபடியும் எங்க இருந்தியா சவுண்ட் வருது?
खिलाड़ी किंग हो तुम, अलार्म ऑफ करवाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा? हाँ किया, अब छोड़ो तो आगे का कमाल दिखाऊं। என்னடா திடீர்னு ஹேங் ஆயிடுச்சு, ஒரே மேஜிக்கா இருக்கு, ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. ஷார்ட் சர்க்கியூட் சொன்னா குண்ட இல்லன்றான். அதான் சார், எந்த தப்புனாலும் சிசிடிவில கிளியரா தெரிஞ்சிருமே. வர மாட்டேங்குது. சரி மானிட்டர் செக் பண்ண சொன்னே பண்ணி இல்லையா சார்? அந்த மவுஸ் காணாம தான் சார் தேடிட்டு. என்ன சேம் டயலாக் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்க? ஏய் இங்க என்ன பண்ற நீ? மவுஸ் காணாம சொன்னீங்களே, அத தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார். வெரி குட், சூப்பர். இந்தாங்க, ஏய் சீக்கிரம் ரிவைண்ட் பண்ணி பாரு. ஓகே, எங்க இருந்து சொல்றது பாரு. ஏன் சார் அடிக்கடி ரிவைண்ட் பண்ணி பாக்குறது? நம்ம கல்யாண கேஸ்டா சார். அதை விட முக்கியமானது யூகோ அவர் சைட். மாட்டி இருந்தோம், குனிய வச்சு கொட்டா கட்டி இருப்பானுங்க. போலு பை. ஆ சொல்லு. ஆல் ஃப்ளோர்ஸ் ஃபயர். ஓகே பாஸ், ரெடி ஹூ மேம். நான் இதறியும் சார். சார் சார் இதர் தேக்கிய சார். ஓ காட், சபி கேமராஸ் கோ கவர் கியா. ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட். டேய் இந்த ட்ரெஸ்ஸோட போய் யார புடிச்சிட்டீங்க? போடா போ சார். ஹே பலூன், பலூன் தி கிரா. देखा ऊपर है, मैंने बोला था ना। क्या सर, बच्चे लोग बलून के साथ खेले होंगे सर? बच्चे नहीं है, कोई शातिर खिलाड़ी बहुत बड़ा प्लान करके अंदर ही बैठा है। जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। अचानक सभी फ्लोर्स के फायर अलार्म्स क्यों सुनाई दे रहे हैं? फायर फायर फायर, जल्दी करो, बाहर निकलो, जल्दी जल्दी। सभी इस तरफ भागिए, जल्दी, इस तरफ रास्ता नहीं है। इधर से जाओ, इधर से जाओ, सभी इधर से जाओ। हाँ बोलो। हमारे प्लान के मुताबिक सब हो रहा है ना? मैं सबको लेकर नीचे जा रहा हूँ। पहले इधर आओ। क्या? स्टॉप स्टॉप, सब लोग मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे, इस तरफ। यार तेरे कान, आँख, नाक, मुंह, दिल, दिमाग, पैर, हाथ, सभी बॉडी पार्ट्स सुपर काम कर रहे हैं। इनका सही इस्तेमाल करना सीख लोगे तो सीधे पार्लियामेंट पहुँच सकते हो तुम। अरे सब लोग इधर आ रहे हैं, रोको उन्हें, रोको। सिर्फ एक बार अपने गांव के मंदिर हो आओ ना। अरे रोको उनको, उस गेट की तरफ भेजो, उस गेट की तरफ भेजो। यहाँ कीमती चीजें हैं, लोगों को रोको। यहाँ कीमती जेवर है, ध्यान रखना। रुको, रुको, उस तरफ से भेजो। कोई नहीं जाएगा, उस तरफ जाइए, उस तरफ जाइए। आग ही नहीं लगी है तो फायर अलार्म क्यों बज रहे हैं? पहले फायर अलार्म बंद करो। कोई, सारे कस्टमर्स पैनिक हो रहे हैं। ओए मारा हुआ नेकलेस कहाँ रखा तुमने? अपना गला देखो। ओह माय गॉड, कब डाला तुमने? अभी बाहर आते समय डाला। ओह गॉड, तुम्हारे सारे पार्ट्स कैसे काम करते हैं? सर क्या हुआ? इधर देखिए, बंटा था मनी अड़ची बूझे पनीटे अड़ती पेर कांगे नेकलेस है। आधे का आधा लूट रहे हो तुम, ठीक लगता है क्या ये? बेचने का दाम 3 करोड़ है, बाहर कोई भी खरीदेगा तो 2 करोड़ देगा। सेठ को आधे का आधा तो मांगता है। ठीक है ठीक है, पैसे निकालो। कल सुबह 11 बजे आओ और टन से 1.5 करोड़ रुपए लेके जाओ। क्या सेठ बात से पलट रहे हो? आदमी पे भरोसा रखो भाई। भरोसा आदमी ही तोड़ता है, कोयले की दलाली में हाथ काले होंगे सबको पता है। चल चल पैसे निकाल। अरे सेठ के सारे पैसे हाथ में लेके बैठा है, ऐसा ट्रांजेक्शन मिडनाइट को होता है। देखो मैं भी लिंगा जैसा है, जो बोलता है वो करता है। पंच के पंचा சொல்றதே செய்வ, சொல்லாம ஊருட்டு ஓடி போயிட்டீங்கன்னா என்ன பா? ஏன்பா நம்புப்பா, சேட்டு எங்கேயோ பிறந்து வளர்ந்துவரு, ராஜஸ்தான்ல சொந்த வீடு இருக்கிறது எனக்கு தெரியும். போயிட்டு கல் வாபஸ் ஆயா, கல் ஜப் ஆயா ரோக்கா மில் ஜானா சாய, நீ துக்கான் நீ ரேகா. வோ கியா கேதே கபூத்தர், போலா தா நா அப்னா பந்தா ஹை. சுப்பே காபி கேட். மேன் கிசி காம் மே உதர் கியா தோ பூரா கியே பினா நஹீ சோட்தா, ஆர் நா ஹோனே வாலா காம் லேதா ஹீ நஹீ. Take this chocolate. You take this. You, ये किन्हों पर पड़ी करें? अब वो. Hi. हाँ. यार इधर भी देखो जरा.
क्या है? बहुत साल साथ रहे हम। क्या आर्मी में साथ में थे? चेन मारकर जेल में साथ में थे ना? हिस्सा चाहिए तो सीधा मांग लो। कैसा हिस्सा? आने वाले 1.5 करोड़ में से हमें 10-10 लाख दोगे ना तो हम लाइफ में सेटल हो जाएंगे। बाकी का वो तुम रख लो। ऑल आर इक्वल। हर एक को 30 लाख। देख लो। नहीं यार, सेम ब्लड, अपने दादाजी जैसे ही बोल रहे हो। दादा का नाम मत लो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। सॉरी। क्या हुआ? वाइन शॉप में बाप को देख लिया क्या? छुप क्यों रहा है? चलो मेरे साथ, चलो मुझे लेकर चलो, चलो छोड़ दो। चलो। क्यों, क्या हुआ है? पुलिस वाले, पुलिस ने सेठ को धर लिया। सर 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 सर, आपको पन्ने का नेकलेस चाहिए ना, तो रख लो, बाकी माल तो छोड़ दो। सब चोरी का माल ही होगा, बड़े बड़े बक्से पीछे रख दो और इसे आगे बिठाओ। 30 लाख 3 सेकंड में गायब हो गया। सर सर सर, यही बड़ी बात है, नेकलेस क्या ढूंढ रहे हो? सेठ नहीं तुम लोगों को पकड़ रहा है। जेवर देकर 50 रुपए ज्यादा मांग लेते थे तो सारा दिन सुनाता रहता था और हमें कैसे आसानी से फंसा दिया। पुलिस वाले तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं, पकड़ लिया तो चीर कर रख देंगे। छोड़ो शहर और भागो। मैं भी निकलता हूँ पत्नी के लिए। अरे भाई, आंध्रा भाग चलते हैं यार, चिकनूर में, वहाँ मेरा मामा काम करता है। क्या काम करता है? अरे भाई, दलाली का। दलाली का काम करता है और हमें साथ देने के लिए बोल रहा तेरी तो। पुलिस की मार मैं नहीं खा सकता, मेरा बदन बहुत नाजुक है भाई। मैं चलता हूँ, अपनी फ्रेंडशिप कट्टी। अबे जा जा। तुझे क्या हो गया? पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस पकड़ेगी तो केस नहीं कर सकती। ए, तुझे परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, तू वैसे भी पागल बंदर ही दिखता है। चल। यार हम बाहर तो किसी को नहीं जानते। यहाँ शहर में किसी को जानता है क्या? आइडिया वर्कआउट हो रहा है, ब्रेन के अंदर ट्रेन चल पड़ी है। कबूतर या नांगलूर ரொம்ப யோசனை பண்ணோம். என்ன ஊருது? சோலையூர். ஆ, சோலையூர் வரதா முடிவு பண்ணிட்டோம். என்னப்பா? சிலங்கனூர் தான் கேன்சல் பண்ணிட்டேமே, அங்க தான் போய் ஆவணும். अब कैसे मन बना लिया? नहीं तो पुलिस भूत बना देगी। मन है तभी तो चलने की बात कर रहे हैं। सवाल करके जान मत खाओ, मेहरबानी करके अपने गांव ले चलो। तो तुम लोग भी आ रहे हो? राजा अपने मंत्रियों के बिना कहीं नहीं जाते। हम मंत्री? बाकी के तो कहाँ हैं? वो अपने गांव चले गए। चोरी करके गांव भाग गए हैं बोलो। तुम्हें कैसे मालूम? उस सेठ को पकड़वाने वाली मैं ही हूँ। यू ब्लैक शिट। सेठ जी ने जो गुनाह किया उसके लिए वो पकड़े गए, अब तुम्हारी बारी है। हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा नहीं है, इट्स अ प्लान। 16 ईयर के राजा के पोते को गांव तक पहुंचाने का मेरा प्लान। ओलाला, ये तो औरत ही नहीं लगती। चलो कहीं और चलते। चलो, चलो। तुम्हें मालूम नहीं था क्या कि मैं औरत हूँ? हाथ क्यों लगा रही है? हमला करने की सोचो भी मत, वो हाई वोल्टेज है, फुस हो जाओगी। नो टचिंग, नो टचिंग, टू फीट गैप। गैप के बिना कबर्ड में थे तब? वो सिचुएशन अलग था, तुम उसमें फंस गई थी। ये भी एक सिचुएशन है और तुम उसमें फंस गए हो। वो कैसे? पुलिस को फोन कर दिया है, आधे घंटे में आ जाएगी। अरे बाप रे, जान ले लेंगे पुलिस वाले, मर जाएंगे बाप। तो फिर चुपचाप 16 ईयर चलोगे? मेहरबानी करके मान जा यार। हाँ बोल दो यार। चलो। तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? नहीं वैना वैना ना उड़े जनेंगे विड़ा मटांग का पोला इला ऊरे से ना मरिया तो कुड़ दिया था सुनने। வணக்கம்.
पूरा गांव हमारा फूल बसाकर स्वागत कर रहा है। ए, हमारा नहीं, बॉस का। गांव की सारी आंटियां जमा हो गई है, लगता है दादाजी बड़े शौकीन थे। सर, सारी दौलत गांव पर लुटा दी, हमें पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। चुपचाप चलते रहो। पर जहां भी चलते हो बड़ी स्टाइल से। ये लो मारो स्टाइल। नमस्ते। नमस्ते। अरे 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 आप यहाँ आए, सबको बड़ी खुशी हुई। ये हमारे यहाँ के एमपी हैं, इलेक्शन में बहुत वोटों से जीते हैं। पर तुम्हारा वोट तो हमको नहीं मिला। इसके साथ एक फोटो ले पुलिस ने पकड़ लिया तो। हाँ राजा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्ते, टेक केयर। ஐயா வணக்கம். வணக்கம். நான் ஒரு புலவன். ஓ, மன்னர்களை பாடி பரிசு பெறுவது எமது குலத்தொழில். இன்று உங்களை புகழ்ந்து பாட வேண்டும். என்னவா, பல ஜெனரேஷனா பாட்டு பாடி பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காராமா? பிச்சை என்பது கேட்டு பெறுவது, அதில் தப்பில்லை. திருடுவதுதான் தப்பு என்பது என் முன்னோர் வழி. எப்படி நம்ம மேட்டர், அவனுக்கு தெரியும். அதான் புரியலையா? நீங்க பாடுங்க. பாடுனா காசு கொடுக்கணும், இருக்கா? அவர் கேட்க மாட்டார். என்ன கொடுப்பான், எவை கொடுப்பான் என்று இவன் என்னும் முன்னே பொன் கொடுப்பான், பொருள் கொடுப்பான், போதாது போதாது என்றால் இன்னும் கொடுப்பான், இவையும் குறைவென்றால் எங்கள் மன்னன் தன்னை கொடுப்பான், தன் உயிரும் தான் கொடுப்பான். தயாநிதி தூக்கி போட்டு மிதிய புலவன். கிழவன் கொதனோ, என் தங்க பிரேஸ்லெட் கார்ல பறந்துட்டேன், அது கொண்டா? ஐயா, இன்னொரு பாட்டு புகழ்ந்து பாடவா? இன்னொரு பாட்டு பாடுறா, பாடுங்க. நிழல் வேண்டும் போது மரம் ஒன்று உண்டு, பகை வந்த போது துணை ஒன்று உண்டு, இருள் வந்த போது விளக்கொன்று உண்டு, எதிர்காலம் ஒன்று எல்லோருக்கும் உண்டு. எல்லோருக்கும் உண்டு கருவண்டு, உனக்கு உண்டா? உண்டு, இத தெரியுது. கோதண்டம், அந்த பிரேஸ்லெட்டோட ஒரு ராடோ வாட்ச் வச்சிருக்கேன், அது கொண்டு. ஐயா, இன்னொரு சின்ன பாட்டு. கோதண்டம் வாங்க. ஏகன் இன்னும் ப்ரோக்ராம் முடியலையா? லாஸ்ட் சாங் பாடவா? நல்ல நல்ல அழகு. யாரு, நீயா? நீ இல்ல, நீ அழகு. நீ நடந்தால் நடை அழகு, நீ சிரித்தால் சிரிப்பழகு, நீ பேசும் தமிழ் அழகு, நீ ஒருவன் தான் அழகு, நீ ஒருவன் தான் அழகு, நீ ஒருவன் தான் அழகு. கோதண்டோ, அந்த பிரேஸ்லெட் வாட்சோட 1000 நோட்டு கட்டி இருக்கு, அது கொஞ்சம். அது 1 லட்சம் ரூபாப்பா. ஏன் இருக்கட்டு, அது கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு வண்டி எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தது. ஐயா, இருந்து தங்கள் கரங்களால் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும். இல்ல, அவர் வரமாட்டாரு. வண்டிக்கு தானே சென்று இருக்கிறார். இல்ல, கார் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவாரு. அப்போ தாங்கள் தருவதாக சொன்னது புலவரே? நான் தான். நீங்க இந்த புகழ்ந்து பாடும்போது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது. இருக்கணும். நான் உங்களுக்கு வாட்ச் பிரேஸ்லெட் பணம் கொடுக்கறேன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது? ஆமா, சந்தோஷத்துக்கு சந்தோஷம், சரியா போச்சு. ஐயா, இதை நான் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஐயா, நீ கண்ணதாசன், வாலி, வைரமுத்து எழுதுன பாட்டு இல்ல, நீ எழுதுன பாட்டா புகழ்ந்து பாடினதுக்கு நான் பணம் கொடுக்கணுமா? போட. ஐயா, दादाजी, कोई शक नहीं है, यही हमारे राजा के पोते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डीएनए टेस्ट तक सब सबूत हैं। कोई सबूत नहीं चाहिए, इनका चेहरा कह रहा है कि ये राजा के वारिस हैं। वही मुस्कान। आओ बेटा। तंबी, उन कयाले कोर पौर्णमेनिके அந்த கோவில் தரக்கணும், ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணிடலாமா? ஒண்ணு அவசரம் இல்ல தாத்தா, நாங்களே கொஞ்ச நாள் இங்க தங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போலாம்னு வந்திருக்கோம். எத்தனை வருஷமானாலும் தங்கலாம், இது உங்க இடம். இது நம்ம இடமா? எத்தனை ஏக்கர் தாத்தா தீரம்? ரொம்ப தேங்க்ஸ் தம்பி. உன்கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும், உள்ள போலாமா? தனியால வேண்டாம், என்ன இருந்தாலும் இங்கே பேசிக்கலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கூப்பிடறதுல எதனா பீரோ கீரோ காட்டு வர ஏதாவது தேர்தல். போ போ போ, போயிட்டு சிக்னல் கொடுப்பா. இவ்வளோ பெரிய ஊட்டை வச்சுன்னு என்னத்துக்கு நீ டிவியில வேலை செய்யற? இந்த சிந்து பயிர்வு சீரியல் விட்டாலே செம்ம துட்டு பாக்கலாமே. கிராமத்துல இருந்துகிட்டு என்ன பண்றது, சிட்டில இருந்தா தானே 4 பேர் சைட் அடிக்க முடியும். சைட் அடிப்பீங்களா? டேய், அதுக்கட குரங்கு மாதிரி தாவி வர, அங்கங்க பொண்ணுங்க சரகை அடிக்கிறாளுங்க, பாவம் பாப்பா, சைட் தானே அடிக்குது. பாந்த் வாலே மந்திர் மே ஜோ சிவலிங் ஹே, காவ் வாலே உசே மாமூலி சமஜ்தே ஹே. யே பாத் மேரி போதி பி நஹி ஜான்தி, சிர்ஃப் துமே பதா ரஹா ஹூம். வோ மர்கட் லிங் ஹே, बहुत कीमती रत्न से बना है। उस मंदिर को खोलने के बाद अच्छी सुरक्षा करके आप ही को ये सच्चाई गांव वालों को बतानी होगी। ठीक है। ये कौन सी बड़ी बात है, ये लो। सर, शुक्रिया सर, आपने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है सर। तुम्हें ये जरूरी लगता है, मुझे वो जरूरी लगता है। उधर देखो,
अगले हफ्ते कैंसर अवेयरनेस के नाम से ऐसे बड़े बड़े बलून उड़ाने वाला हूँ। सारे लोग जब बेवकूफों की तरह ऊपर देख रहे होंगे तो नीचे हम अपना काम पूरा कर देंगे। समझ गया सर, काम पूरा हो जाएगा सर। थैंक यू। क्या रत्न से बना हुआ लिंग? हाँ, पन्ने के नेकलेस के 1.5 करोड़, तो पन्ने के लिंग के कुछ 15 सी मिलेंगे ना? 15 सी, 21 सी, ये बस तो आनंद नगर जाती है। चल अब लपेटना बंद कर। पागल, 15 करोड़ नहीं 30 करोड़ के भी ऊपर मिल सकता है। या पैसा, माल, दौलत, मनी, मनी। मगर पूर्णिमा तक वेट करना पड़ेगा। क्यों बे, 10 बजे तक वाइन शॉप का वेट करता है ना, पूर्णिमा तक वेट नहीं करेगा? अरे मंदिर खुलेगा तभी तो हाथ मारेंगे। किस लिए वेट करना, आज ही बल्कि अभी चुराते हैं, चुरा कर उसे कट लेंगे गांव। करेक्ट, आइडिया और पापड़ एक जैसे हैं, ठंडा पड़ने पर बेकार हो जाते हैं कबूतर। हेलो, என்னது திருட இப்ப பிளான் போடுறீங்க? அது அந்த வளராதே சரியா ஒட்டு கேட்கல. அது லிங்கா கிட்ட உங்க ஹைட்டு வெயிட்டு பிரைட்டு அதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஐயா நம்பிட்டோம். ஏம்மா நம்ப மாட்டாங்களா? சொல்லு. அது நீங்க சிட்டில சைட் அடிக்கிறேன்னு சொன்னீங்கல்ல, அது யாரா இருக்கணும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஏன் யாருன்னு அவருக்கு தெரியாது? சொல்லிட்டோய்மா, அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லம்மா, தோணும் போது வெப்போம். கேட்டீங்கப்பா, கோயில் பக்கத்திலயோ டேம் பக்கத்திலயோ போயிடாதீங்க. यार तुम्हारे दादा भी कमाल के हैं, सब कुछ छोड़कर इस जंगल में मंदिर बनाने के बजाय शहर में बनाते तो कितना इजी हो जाता हमारे लिए। ए, क्या जब देखो तब ज्योतिषी की तरह ये पीली थैली लेकर घूमता रहता है। जादू की थैली है ये साथ रहे तो भूत प्रेत पास नहीं आते। क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम तो साथ ही आ रहे हो। तुम हमेशा हटके ही सोचते हो। हमेशा ही पेड़ स्ट्रॉन्ग है क्या, बताना? क्यों, काट कर दरवाजा बनाने वाले हो? अब बातें मत करो, जल्दी ऊपर चढ़ो। ठहरो यार, क्यों कंडक्टर की तरह चिल्ला रहे हो? कोई मंदिर के अंदर कूद रहा है। ए, जल्दी आजा। जरा ठहरो, मेरी थैली फंस गई। चलो भाई, मंदिर तो बहुत पुराना लगता है, हमसे पहले कोई चुरा कर ले गया हो तो? शुभ शुभ बोल यार, इतनी मेहनत करके दीवार फांदी है, हमें ही मिलेगा। ए, जल्दी से पत्थर ले आओ। हाँ ठीक है, ये लो। तोड़ो, तोड़ो इसे। मारो जोर से, ताला है, जोर से मार। अब चुप रहो और धक्का दो। हमारे जैसे चोरों के डर से भगवान ने कहीं अंदर से ताला तो नहीं मारा। चलो चलो, चप्पल उतार के देखते हैं। अरे बाबा, ये क्या, स्पाइडरमैन ने इधर घर बसाया क्या? इतने सारे जाले। ये मंदिर 70 साल से बंद है ये तो नहीं लगता, 700 साल से बंद लगता है। अरे भाई लिंगा, ये तो पन्ने के लिंग जैसा नहीं दिखता। अब्राहम लिंकन जैसा दिखता है। ए, उस कुएं से पानी लेकर आओ। हाँ ठीक है। तुम ऑफिसर को फोन करो, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। जब तक लोग आएंगे तब तक वो रफू चक्कर हो जाएंगे। तो अब क्या करें? ये क्या कमाल है, एक ही नजर में सांप को डरा कर भगा दिया। तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। ओह, पैर ठंडे पड़ गए क्या? खामखा पैरों से सिलाई की मशीन चलाना बंद करो यार, और कोई रास्ता नहीं है। भगवान का अलार्म बज रहा है, चलो चलो। अरे चलो, सांप चला गया, चलो चलो चलो। सर संभाल के, सर टकरा। पता नहीं किसने सायरन बजाया। किस तरफ से भागे, जरा देखो। तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा? हाँ साहब, हम दोनों ने देखा। सब लोग मंदिर को घेर लो। जाओ घेर लो, जाओ घेर लो। हमको ऐसे घेर लिया जैसे सूखी मछली को कौवा का झुंड, हम बचकर नहीं जा सकते। पकड़े गए तो खाल उधेड़ देंगे। चुप रहे, हम कोई उबले अंडे जो खाल उधेड़ देंगे। दिमाग चलाना शुरू कर दिया है भाई ने, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता दो, रास्ता दो। आइए दादाजी, आइए। किसने देखा? हम दोनों ने देखा।
कौन कूदा मालूम है? गांव में आए हुए राजा के वारिस है ना, वो और उनके दोनों चमचे। अकल के दुश्मन, तुम्हें पता है कौन है वो? राजवंश के हैं, इस मंदिर को बनाने वाले राजा के वारिस हैं। दादाजी इतना गुस्सा मत कीजिए, मंदिर खोलने पर सच्चाई मालूम पड़ जाएगी, खोल कर देख लेते हैं। आप हुकुम करें तो मंदिर का दरवाजा खोल देंगे दादाजी। जिस राजा के वारिस से मैंने इस मंदिर को खुलवाने का सोचा, उन्हीं पर जब शक हो गया तो अब क्या सोचना, खोल दो दरवाजा। जाओ साहब, सब मिलकर दरवाजा खोल दो। चलो, चलो दरवाजा खोलते हैं, आ जाओ। चलो चलो, चलो। जोर लगा के और जोर लगा। आपने इतना बड़ा सौभाग्य दिया है मुझे कि मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तुम्हें मिले हुए सौभाग्य से इस गांव का पुण्य ज्यादा है बेटा। किसी ने कहा इन्होंने अपराध किया है, अपराध हम ही ने किया है। शिव जी के मंदिर को पूर्णिमा तक बंद रखना हमारा अपराध था। आज कौन सा दिन है भाई? शिवरात्रि है दादाजी। शिव जी का खास दिन तो शिवरात्रि है ना, इसीलिए इन्होंने आज ही खोल दिया मंदिर। अगर आपका कहना सच भी है तो दीवार कूदने की क्या जरूरत थी, हमसे कहते तो हम दरवाजा खुलवा के धूमधाम से पूजा करते। गांव वालों का बंद किया हुआ मंदिर गांव वालों से ही खुलवाने के लिए ऐसा किया है इन्होंने। तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, कुछ लोग कुछ कहे बगैर चल बसे होंगे, लेकिन इनको अच्छी तरह मालूम है अपने दादा राजा लिंगेश्वरन के बारे में। इन्हीं की तरह वो भी आए थे, कहीं दूर से आए थे हमारे गांव में।
Let's begin. सब लुटेरों की टोली है क्या? हाँ, नहीं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। स्वतंत्रता सेनानी दुश्मन को मारने वाला सैनिक होता है, लूट मचाने वाला नहीं। देश के लिए लड़ने वाला वीर कहलाता है, अपने घर के लिए नहीं। हम देश के लिए लड़ने वाले ही हैं। देश के लिए लड़ने वाले हो तो आधी रात को ट्रेन पर क्यों कूदे? आपका अपहरण करने के लिए। किसका? ब्रिटिश कलेक्टर को अगवा करना था, पर ब्रिटिश कलेक्टर एक इंडियन होगा ये हमने सोचा भी नहीं था। जब अन सोचा होता है तभी मजा आता है। टेल मी,
कलेक्टर को अगवा करके क्या करते हैं? उन्हें अगवा करके जेल में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बंद हैं, उन्हें छुड़ाते और उनको रिहा किया तो कलेक्टर को छोड़ देंगे। उन लोगों को दोबारा अरेस्ट किया तो किसी और कलेक्टर को अगवा करोगे ना फूल। अगर सच में देश प्रेम है तो इस तरह की बेवकूफियां करना बंद करो और जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ मिलकर लड़ो। अहिंसा से लड़ना है तो गांधी जी के साथ लड़ो। अगर शस्त्रों से लड़ना है तो सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर लड़ो। दिमाग से काम लो। इस तरह मुंह छुपाकर अपने आप को धोखा मत दो। टेक देम। यस सर। नमस्ते सर, मैं इस जिले का सब कलेक्टर हूँ। लिंगेश्वरम, हाउ डू यू डू? फाइन सर। जॉनसन? यस सर। लीव देम, लेट देम गो। नो सर, दे हर्ट अस, दे मस्ट बी पनिश्ड। डू व्हाट आई सेड। नो सर, एट लीस्ट वी मस्ट टेक देम फॉर इंटरोगेशन। दीज आर कलेक्टर्स ऑर्डर्स, डू इट। यस सर। रिलीज देम। मैंने तुमसे जो भी कहा है याद रखना, दोबारा मार मत खाना। सोलह यूर कितनी दूर है? 6 मील। अब क्या मुसीबत खड़ी करने वाली? अस्थि पिंजर, ट्रेन तो रोके बगैर जा रहे थे। ये क्या, ट्रेन की इंजन की तरफ भुसुक भुसुक कर रहे हो? इतनी देरी से क्यों लाए ट्रेन? अरे बाबा, यही तो करेक्ट टाइम है। ओ, यानी डेली लेट आते हो तुम? अरे नहीं बाबा, अब छोड़ो ना, मेरी नौकरी खतरे में मत डालो। ए, गाड़ी चला। अब क्या हुआ? गाड़ी लेके जाओगे? हम सबको पानी दिए बगैर गाड़ी लेके जाओगे तो? ओ मेरी माँ, पानी वानी नहीं दे सकता, कलेक्टर देख रहे हैं। कोई भी देखे, हमें क्या? देखो आज हर एक को ना दो दो कन दूंगी, पानी दे दो और चलते बनो। बहन जी, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा काम मानो। कलेक्टर साहब, गई नौकरी। इन्हें पानी देने के लिए बोलिए ना। अच्छा सर। मर रहा है नास बेटा। नमस्ते कलेक्टर। नमस्ते साहिब, मैं इस सेलूर गांव का मुखिया हूँ। ये एक जमाने में अमीर आदमी थे, संबंधम नाम है इनका। नमस्ते। वो गांव के बुजुर्ग हैं, कवि भारती, और वो सबको नमस्ते। मुद्दे पर आओ साहब, हमने अपनी समस्या के बारे में बहुत सारी अर्जियां डाली, तार भी भेजे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ साहब। 100 अर्जियां भेजो तो कोई एक कलेक्टर आता है, गांव घूमकर देखेंगे कहकर झूठी तसल्ली देकर चला जाता है। जो आते थे सब गोरे लोग थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आप तो हमारे आदमी हैं, हमें विश्वास है आप जरूर कुछ करेंगे। एक कलेक्टर की हैसियत से जो भी हो पाएगा मैं सब करूंगा। अपनी समस्या बताइए। समस्या पानी की है। वो वहाँ देखिए, वो नदी कैसे सूख गई है देखिए। साल में 9 महीने ऐसी ही रहती है। पीने के पानी के लिए 6-8 मील पैदल चलना पड़ता है, या फिर उस आने जाने वाली रेल का गर्म पानी भरने के लिए आधे गांव को जाना पड़ता है। अचानक 3 महीने के लिए कहीं दूर बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। ये बाढ़ पूरे गांव को साथ ले जाती है। उसको देखिए, उस बच्चे का बाप नहीं है, इस लड़की का घर वाला नहीं है, गुजारे के लिए पालतू गाय बकरियां भी वो बाढ़ बहा कर ले जाती है। जब ये ऐसे सूख जाती है
तो पानी नहीं होता, फसल नहीं होती तो अनाज नहीं होता, मगर गांव के लोगों को भूख तो लगती है ना। ओह गॉड। संक्षेप में कहें तो इस गांव की नदी में पानी आए तो मुश्किल होती है, ना आए तो भी मुश्किल होती है। माय गॉड, एक पूरा परिवार गड्ढे में गिर गया। अरे साहब, वो गड्ढा नहीं है, पुराना कुआं है। अरे भगवान भला करे उनका। अरे अरे, ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया कभी भारती? देखो, आज फिर एक किसान ने अपने पूरे परिवार के साथ भूख के कारण अपनी जान दे दी। एक वक्त का भी भोजन ना मिलने से क्या करे, समझ नहीं आया तो मर गए बेचारे। यही है हमारा गांव। ये किसानों की खुदकुशी कभी कभी की घटना नहीं है, ये तो बार बार घटती है। इस तरह जान देने की बजाय शहर जाने को कहो तो हमारी जन्म भूमि की मिट्टी है कहते हैं। मिट्टी में ही जीना है तो किसी भी मिट्टी से क्या फर्क पड़ता है, सुनते ही नहीं। इन मौतों का जवाब कौन देगा, कौन रोकने वाला है इन्हें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। आज के बाद इस गांव में अकाल के कारण कोई नहीं मरेगा, मैं मरने नहीं दूंगा। सर सांप ले लेंगे सर, सांप लिया सर। ஒருவேளை சாப்பிடலன்னா பிரச்சனை இல்ல, ஒருவேளை கூட சாப்பிடலன்னா தான் தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடும். சோலையூர் கே லோகோ கே லியே ஃபாரன் எக் டேம் பந்த்வானா ஹோகா. எ டேம்? எ டேம்? எ டைம்? யெஸ் இட்ஸ் எ டேம். ஐ வாண்ட் டு பில்ட் இட் ஃபார் தி பீப்பிள் ஆஃப் சோலையூர். டேம் இட். மிஸ்டர் லிங்கேஸ்வரன், डैम बनवाने पे कितना खर्चा होगा ये तुम्हें नहीं मालूम? इंगे इरुकिरे एंद कलेक्टर कुम करेक्टा तेरियादु। Even I don't know, but you definitely do. Why? Because नी वेरुम ICS படிச்ச கலெக்டர் மட்டுமில்ல, கேம்பிரிட்ஜ்ல சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்ச ஒரு எஃபிஷியன்ட் இன்ஜினியர் டூ. Yes sir, एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मुझे पता है कितना खर्चा होगा। तो फिर इतना पैसा कहां से आएगा? क्यों, आप इंडिया में जो टैक्स वसूल करते हैं उन पैसों से। ऐसा करने से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? समंदर से मिलकर बर्बाद होने वाले पानी को मोड़कर डैम में लाने से वहाँ आसपास कितनी खुशहाली होगी ये एक कलेक्टर होने के नाते आप नहीं जानते? उससे कितनी आमदनी होगी ये भी नहीं जानते क्या? वहाँ रहने वाले किसान से कितना टैक्स लेना चाहिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इंडियन को सिखाना पड़ेगा क्या? हमें अच्छी तरह मालूम है ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। मिस्टर लिंगेश्वरन, आप पहले ऑब्जेक्ट किया हुआ मेरा प्लान को अप्रूव कीजिए। यू सी, मदुराई से लेकर कोचिन तक ट्रेन ट्रैक डालने से हमारा गवर्नमेंट को बहुत फायदा होगा। उसके लिए खर्चा नहीं होगा। होगा बट फिर भी उससे कई गुना फायदा आपको फौरन मिलेगा, यही ना? इंडिया में हर तरफ आपकी ट्रेन चले यही चाहते हैं ना? सोना, चांदी, हीरा, मोती, नवरत्न से लेकर काली मिर्च तक सैकड़ों चीजें यहाँ से उठाकर अपने देश ले जाने के लिए ही तो बना रहे हैं आप ये रेलवे, और अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन पर एंजॉय करने के लिए लाइनें। आई एम सॉरी, एज मदुराइज कलेक्टर मैं इसके लिए अप्रूवल नहीं दे सकता। यस yes, हम भी अप्रूवल नहीं दे सकते। यस आई टू ऑब्जेक्ट सर। मिस्टर लिंगेश्वरन, मत भूलो कि तुम ब्रिटिश की दी हुई पोस्ट पे हो, तो यहाँ के बाशिंदों को क्या दिया जा सकता है यही मत सोचो। बकिंगहम को क्या लेकर जा सकते हो इस पर ध्यान दो। ऊपर जाते समय साथ क्या ले जाएंगे ये आप सोचिए। तुम बहुत बोलता है। यस yes, अपनी जन्मभूमि के लिए थोड़ा कुछ करना चाहता हूँ इसीलिए बहुत बोलता हूँ। तुम्हें हमसे ही तनख्वाह मिलती है ये मत बोलो। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में कलेक्टर सरकारी तनख्वाह पाने के लिए नहीं बना, जनता की सेवा करने बना हूँ, उससे मिलने वाले खुशियां पाने के लिए बना हूँ, अपनों के खुशियों के लिए। उस कलेक्टर पोस्ट से तुम्हें डिसमिस कर दिया तो अपनों के लिए कुछ ना कर सके ऐसी इस बेकार पोस्ट से आप क्या डिसमिस करेंगे मुझे? मैं खुद रिजाइन करता हूँ। One minute. By resigning your collector's job, you've already failed. I haven't failed. I have just postponed my success. Dam banane ke liye permission kahan se aur kaise leni hai ye main janta hoon. See you soon.
सरकार पर भरोसा रखकर कोई फायदा नहीं है। नए आए हुए कलेक्टर साहब भी इस्तीफा देकर चले गए। अरे अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकता है। Like this one? What a joke. Hey, Janet, never ever underestimate me. Bless you. Ah. Thank you. Welcome, sir. Madam? Not for me, thank you. That is fantastic. It's Italian for you. Oh, interesting. Collector, sir. He is the German of Rai Kote. Nice to meet you. Are bhai, governor aa raha hai. Alert rehna. Your Excellency, please welcome. We are honored, sir. Namaste. Do be careful, my dear. Nice to meet you, my lady. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good to see you. Do you know my wife? How do you do? Pleased to meet you. Quite magnificent, darling. Your Excellency, Maharaja is coming. Oh, the Maharaja. Yes. Hey, वो मदुराई का कलेक्टर है ना? अब नहीं है, मदुराई के कलेक्टर थे मगर है यहाँ के राजा। लेडीज एंड जेंटलमैन And my dear friend, as you all know, His Highness, the Maharaja of Kodia, Raja Lingeshwaran, has so graciously invited us here tonight for dinner in celebration of his birthday. And to him, I wish a very long life. Thank you. Cheers. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Everything is made of silver and gold. Yes. He really is a very rich man. Yes, just come to know.
I've been here more than 10 years. Hindi tora tora aata hai. I understand it very well. Good. Was this your father's palace before it was yours? Yeah. So you're following your father's footsteps? Actually, my ambition was to become an engineer. इसलिए मेरे पिता ने मुझे लंदन भेजकर पढ़ाया लिखाया, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं ICS पढ़कर कलेक्टर बनूं। Why ICS? मेरे पिताजी कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जब राजा थे तब उनके हाथ में सारी पावर थी, लोगों के लिए जो चाहते कर सकते थे। लेकिन आपके ब्रिटिश रूल में कलेक्टर्स को ही पावर होती है ना, इसलिए मुझे कलेक्टर बनने को कहा और मैंने ICS किया। फिर कलेक्टर की नौकरी से क्यों रिजाइन कर दिया? मैं जो चाहता था वो कर ना सका, इसलिए। Go on. What did you want to do? Tell me. I think this is not the right time and place to discuss. It's always the right place and time to discuss things between friends. ठीक है। मेरे पास जो पैसे हैं, उनसे मैं अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। Who's going to object? It's not about objection. I want your permission. What do you want my permission for? मैं सोलेयूर के लोगों के लिए एक डैम बनाना चाहता हूँ। You're going to build this dam on your own? Yes, अपने खर्चे पे बनाऊंगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं। Permission granted. Oh, thank you very much. I'm really honored on my birthday. God bless you, my friend. Thanks a lot. What is it, Lawrence? I've got a key. It is an insult to us. तो मुझे लगता है कि ये अपने बॉल पे डैम बना लेगा। Impossible, sir. तो फिर किस लिए बहस कर रहे हो? पहले ही सामने बैठे राजा लोग हमारे बारे में खुशा खुशा कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में गांधी ने हमारे लिए मुश्किल कार्य कर रखी है, फिर यहाँ नया प्रॉब्लम किस लिए चाहिए? इतना ही नहीं, अभी शुरू हुई दूसरी वर्ल्ड वॉर में इंडिया का सपोर्ट हमें चाहिए। तुम्हें लगता है कि सिर्फ परमिशन देने से वो डैम बनवा पाएगा? बिल्कुल नहीं। Your Highness, Collector Lawrence कल सुबह ही आपकी डैम बनवाने का ऑर्डर लाके दे देंगे। उसे बारे में बात कर रहे थे। Oh, great! Thank you. हमने जो परमिशन देने से मना किया, उसे अपने बर्थडे के बहाने मंजूर करवा ली। गवर्नर को भी धोखा दिया तुमने, ऐसा क्यों किया? आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने के बहाने यहाँ राज करते राजाओं को चालबाजी से धोखा देकर पूरे देश को लूटा। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा मिस्टर लॉरेंस हंटर? एनीवे, परमिशन ही काफी नहीं है मिस्टर लिंगेश्वरन। हम ब्रिटिश वालों की मदद के बिना एक इंडियन अकेले ये डैम कैसे बनाता है, ये मैं भी देखता। क्यों, कल्याण नहीं देखा आपने? त्रिची में 2000 साल पहले कालीकरण ने बनवाया था। कोदिवरी डैम जाकर देखिए, कुवई में अभी भी सलामत है। वो सब लोग राजा थे तब की बात। और राजाओं की मदद देवता करते हैं, और भगवान की कृपा से वो मुझे हमेशा मिलती रही है। चाहे कोई भी सहायता करे, तुम वो डैम कभी भी नहीं बना पाओगे। इट्स अ चैलेंज। किसी भी चीज की कामयाबी में साथ तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन उसकी वजह बनता है एक दुश्मन, और देखना इस डैम को बनाने की वजह बनोगे तुम। इट विल नेवर हैपन। वेट एंड सी। तेरी नजर में ही खोट है, लाए इधर, जल्दी दे। पहले अपने कान की बूंदे दो मुझे, तभी दूंगा दूरबीन। क्या है रे, जब देखो मेरी बूंदे मांगते रहता है। मेरा बापू भी पहनता है, मैं मांगता हूँ तो दिलवाता नहीं है, इसलिए। ठीक है, मेरे बापू जब मेरे लिए दूसरे बूंदे लाएंगे तो ये बूंदे तुम्हें दे दूंगी। ठीक है? ठीक है, खाओ कसम। कसम से? चोटी तो नहीं काटी? आया क्या? हाँ आया। आया? क्या आया? कोई एक प्लेजर आ रही है। प्लेजर? अरे जिसमें गोरे लोग आते हैं, वो बग्गी। ओह, उसमें कौन आ रहा है, देखो तो। उस दिन जो स्टेशन पे था ना, वो कलेक्टर आ रहा है। ए? कलेक्टर? वो किस लिए आ रहा है? ए, कलेक्टर आ रहा है। अयो, कलेक्टर आ रहा है। रुको!
एक लड़की सामने से भागते हुए आ रही है। अच्छा रुको, गाड़ी रोक दीजिए। रुको, भारती पत्थर। अयो साहब, ये कोई सेटअप तो नहीं है? साहब थोड़ा हट जाओ। क्यों क्यों क्यों? अयो ये क्या कर रही हो? धूल एक सेकंड में साफ कर दी। सब गिला कर दिया। किसके लिए बिछाया था ये जाल? गणित के मास्टर के लिए। वो किस लिए? गणित का गलत जवाब देने पर बहुत मारा इन सबको। ए, दिखाओ इन्हें। लगता है बहुत जोर से मारा है, पूरा लाल हो गया है। ए, नहीं काटे डा। या नहीं काटा। ची, अदेदा इंगियो। देख लिया ना? इसलिए मास्टर जी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। ठीक है पर ये आइडिया है किसका? इसका। बिल्कुल इंजीनियर का दिमाग है। अयो ईश्वरा। hey, क्या साहब को नाम लेके बुला रही है? अरे ईश्वरा। बोले था ना कलेक्टर अच्छा आदमी है, गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा किसने कहा? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। hey! ड्र, 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 hey! अरे साहब कस के पकड़ो। गाड़ी तो अच्छी चला लेती हो। वो कौन सा गांव है? पालयोर। बारिश हो गई है, नदी में पानी आना शुरू हो गया है, वो कभी भी बाढ़ में बदल सकता है। और ओ, ओ। जैसा कहा है करो। दंगा मस्ती तो खुशी खुशी करते हो ना? क्यों? डैम बनाने वाले हैं, उसके लिए तो ढेर सारे पैसे लगेंगे। कितना खर्च करने जा रहे हैं? सिर्फ ऑर्डर अंग्रेजों ने दिया है, पैसे मैं खर्च करूंगा और इसमें मेरा साथ आप सब लोग देंगे। इस गांव का कितना भला करने जा रहे हैं आप? आपका साथ कौन नहीं देगा? आप बस हम पे छोड़ो। थैंक यू वेरी मच। पर आप इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? कोडियुर के महाराज परमेश्वर का इकलौता वारिस हूँ मैं। तो क्या आप राजा हैं? पर इस वक्त मैं राजा बन के नहीं, इस डैम का इंजीनियर बन के आया हूँ। पैसे से ही आप राजा नहीं, दिल से भी आप राजा हैं। अब आए हैं इस गांव की बेटी। एक राजा को ही अपने आंचल में बांध दिया। तू तो उस्ताद निकली। क्यों साहब, बारिश के बाद तो जहां देखो पानी पानी हो गया है, अब ऐसे में डैम बनाना क्या समझदारी होगी? नदी के पानी को मोड़ कर डैम का काम शुरू करें। ये तो बहुत मुश्किल होगा साहब। अगर कुछ पाना है तो मुश्किलें तो उठानी पड़ती हैं। नमस्ते राजा जी। आइए आइए आइए। नमस्ते। ये मेरी इकलौती बेटी है भारती, यहाँ जो भी काम मिले करना चाहती है, रख लेंगे आप? वेरी नॉटी गर्ल, मिला हूँ इससे। ये बताइए ये क्या काम कर सकती है? मतलब घर का सारा काम, रसोई में मदद वगैरह सब काम कर सकती है। क्या है, ये जवान लड़की है, ये छोटा सा गांव है, कोई कुछ कहेगा तो नहीं? राजा साहब, मैं महाकवि भारती का भक्त हूँ, अपनी बेटी को उनके विचारों की तरह ही बड़ा किया है। गाँव के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं। आपको कोई एतराज हो तो बोलिए। अगर आपको एतराज नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये राय कोटे की जमींदारी है, उनके एस्टेट के काम करने वालों के लिए बनाई गई है। आप क्या यहाँ रहेंगे? मैं भी यहाँ काम करने ही तो आया हूँ। पर राजा जी, आप तो महलों में रहने के आदी हैं। हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुँच जाएं, सोने के लिए तो अपने जितनी जगह ही चाहिए। सही कहा, चलता हूँ। अच्छा सुनो भारती। हाँ बाबा। सामने जितने बड़े लोगों की जगह है, गिनती करना, अच्छी तरह रहना। इस सारे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इस बात का घमंड मत करना। नहीं होगा बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। कवि भारती का नाम रोशन कर। क्या तुम इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो? जी हाँ, गांव से दूर जाके पढ़ाया मेरे बाबा ने मुझे। इज इट? यस। ऐसा कहाँ तक पढ़ लिया तुमने? चौथी तक। ए, जोर से मारो किला। ए, जोर से मार। सुनो साहब, मैं कब से काम पे आऊं? तुम्हारी मर्जी हो तब से। थैंक्स। थैंक यू। ओके। ए, जल्दी जल्दी काम करो, ऐसे क्या चल रहे हो? तीन टाइम का खाना और मजदूरी भी देते हैं ना, चलो जल्दी जल्दी। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, ठीक से करो पेंट पेंट पेंट। ये क्या सफाई है, गंदगी तो अभी तक गई नहीं। पानी डालकर वाश करो, वाश वाश।
साहब गर्मा गर्म काफी। थैंक यू वेरी मच। नो मेंशन। करेक्ट। இங்க வெள்ள வருது இல்லையா, இங்க நம்ம டேம் கட்டினா தண்ணிங்க வந்து சேர்ந்துடும். அப்போ இங்க இருக்க எல்லா ஊரும் மை காட். ஏய் என்ன பண்ண நீ, எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பிளான் தெரியுமா அது? வர வர வெளியாடு ஜாஸ்தியாச்சு உனக்கு. இனிமே இங்க வேலைக்கெல்லாம் வர வேண்டாம், போ இங்க இருந்து. இனிமே சாப்பாடு மாத்திரம் கொடுத்தா போதும், போ. சாப்பாடு எல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம், போ. கெட் அவுட். எங்க போய் சாப்பிடுறது? பாரதி கானா சூப்பர். தேங்க்ஸ் ஆசா. கானா கமால் கமால் கமால். மே அந்தர் கமிங். मेरे हाथों का खाना सारे गांव में मशहूर है, ऐसा बाबा कहते हैं। हे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पेपर पकड़ो। போனா போது விடுங்க துரை, வேற வரைஞ்சுக்குருவான். எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பிளான், ஆகிய மெஜர்மெண்ட் எடுக்கணும். அவ்வளவு ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க, போய் வேலை பாருங்க. என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? துரை ஏக் பிளான் மிஸ் நஹி கியா, பூரி 38. Thank you very much. No mention. அட முக்கி வர பிளான். புடி 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 39. நான் 39. அங்க புடி. How are you today, Mr. Lingeshwaran? Fine, thank you. வேட்டையாடலாம்னு இந்த பக்கம் வந்தேன். நீயும் இங்க வேட்டையாடிட்டு இருக்க போல இருக்கு. நீ எப்படி டேம் கட்டுறன்னு பார்க்கத்தான் நான் மதுரைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதே கவர்னர் நான் வஞ்சகமா ஏமாத்தி. ஓ ஐ சி. ஆனா இங்க பார்த்தா நீ டேம் கட்டுற மாதிரி தெரியல. இவ்வளவுதான் கட்டுவேன்னு நினைக்கிறேன். கட்டிக்கோ, நல்லா தான் இருக்கா. தேங்க்யூ. Thank you very much. Ek angrez par main bhi raj kar lo. What did you like in him? Sir. Kya keh rahi hai wo ladki? Chalo sab apna kaam karo. एक या दो नहीं, पूरे 30 गांव के लोगों से बात की है। सपने में भी वो उस डैम को नहीं बना सकता। मैं तो कहता हूँ अब तक तो गांव वालों ने मिलकर उस राजा को भगा भी दिया होगा। और गांव वाले बदल गए तो? नहीं बदलेंगे, हर गांव में 4 आदमी सेट करने पड़े हैं, इसीलिए कुछ ज्यादा खर्चा हो गया है। अगर उस राजा के गाँव छोड़ने की खबर तुम हम तक लेकर आओगे तो एक पूरा गाँव ही तुम्हारे नाम कर देंगे। सब के सब नोट नहीं है। अरे सुबुराज, ये सारे गांव वाले खुशी खुशी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। राजा को भगा दिया क्या? उधर चल के देखिए। नंदन, मुरुगन, जाओ। कानी सामी, चलो सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, जाओ लेकर जाओ। रामा सामी, स्वामी, क्या हो रहा है ये? जैसा आपने कहा, गांव से भगाने ही आए हैं। सही है, 30 गांव नहीं, अगर हम यहां डैम बनाएंगे तो पूरब में बसे 35 से 36 गांव पानी में डूब जाएंगे। इतने दिनों से मैं यही सर्वे कर रहा था। फिक्र मत कीजिए, पश्चिम में जो लगभग 8000 एकड़ जमीन है मेरे पास खड़े हुए रायकोटे के जमींदार जो मेरे बचपन के दोस्त भी है इनकी है, और उस सारी जमीन को ये आप लोगों के नाम कर देंगे।
इनके दरिया दिली के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। बड़ा दिल मेरा नहीं, इनका है। मैं अपनी जमीन मुफ्त में नहीं दे रहा, उसकी जो कीमत थी इन्होंने पहले ही मुझे दे दी है। जिन जिन की पूरब में जमीन है उतनी ही जमीन पश्चिम में उन लोगों को मिल जाएगी। पूरब में बांध बनाने से पश्चिम वाली जमीन पर पूरा साल तीन तीन फसल उगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, पूरब में पानी में डूबने वाली जो जमीन है उसे मेरे नाम करनी हो, वो जमीन मेरी होने के बाद ही किसी भी समस्या के बिना वहाँ डैम बन सकता है। लेकिन आपकी जमीन मुझे मुफ्त नहीं चाहिए। आज उस जमीन की जो कीमत है उससे दुगने दाम मैं आपको दूंगा, मंजूर है? क्यों साहब, गन्ना देकर उसे खाने की मजदूरी भी दे रहे हैं तो किसे मंजूर नहीं होगा? हमें मंजूर है। क्यों भाई, मंजूर है ना? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। हे, चुप करो सब। ये नहीं हो सकता, वो जगह मेरे दादा की जायदाद है, मैं उसे आपके नाम कैसे कर दूं? क्या बोलते हो? ये नहीं हो सकता। अरे भाई, हमारी जगह के बदले दूसरी जगह दे रहे हैं, हमारी जमीन के दुगने पैसे भी दे रहे हैं, किस लिए? हमारे गांव की भलाई के लिए ही ना? इतनी बात समझ में नहीं आती? वो मेरे दादा की जमीन है, मैं नहीं दे सकता। hey! यहाँ गांव की भलाई जरूरी है या मरे हुए तुम्हारे दादा? ये बकवास किया जा रहा है और तुम लोग सुन रहे हो? hey! तुम लोग शराफत से मान जाओ वरना पूरा गांव मिलकर तुम्हारे खानदान को खत्म कर देगा। hey! भाइयों, खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इससे ज्यादा कुछ कहते तो हमारे गांव वाले हमें ही जिंदा जला देते। इस बात के डर से हमने भी हाथ फैलाकर पैसे ले लिए। उसने पैसों से मार दिया, आप चाहे तो मुझे चप्पल से मारिए। तुम्हें मारकर क्या फायदा? Damn it! सही बात है, पर उसे हम कुछ नहीं कर सकते। डैम बनाना पक्का हो गया है। No! Look at this, it's pathetic. ठीक से तोड़ो। Sir, he's coming. साहब चेयर। मैं जानता था तुम मेरे पास जरूर आओगे, मिस्टर लिंगेश्वरन, किंग ऑफ कोडयूर। अब तुम वहां खड़े हो जहां तुम्हें होना चाहिए। आप लोगों को मेरे बाप दादाओं ने सही जगह खड़ा नहीं किया, इसलिए आज मैं यहां खड़ा हूं मिस्टर कलेक्टर। व्हाट्स द मैटर? दो बातें। नंबर वन, वेस्टर्न घाट में हुई बारिश का पानी तेजी से इस तरफ आ रहा है। पानी यहां पहुंचे उससे पहले डैम शटर इक्विपमेंट पहुंचने चाहिए, वरना तुम्हारा बनाया हुआ डैम बाढ़ में बह जाएगा, इसकी फिक्र है? डैम नहीं, पूरा गांव बाढ़ में बह जाएगा, इसका डर है मुझे। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिले के कलेक्टर के नाते तुमने उन इक्विपमेंट्स को रोक रखा। Why would I? ईगो, मुझे दिए हुए चैलेंज में तुम हार जाओगे, इस बात से डर रहे हो? I have no issue like that. तो फौरन परमिशन दे दो। हाय मैम। हेलो। ओके, और तुम्हारी दूसरी समस्या? वो मेरी समस्या नहीं, जनता की समस्या है। मैंने रायकोटी की जो जमीन जमींदार से खरीदी थी उसे आपकी ब्रिटिश सरकार ने छीन ली है। जमींदारों की कुछ खास जायदाद को छोड़कर बाकी सब ले लेनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अब वो जमींदार की नहीं जनता की जायदाद है। उससे पहले ही सरकार ने वो जमीन ले ली थी। वो तुम्हारी साजिश थी, 2 साल पहले की डेट में ऑर्डर जारी करके तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया। ओह, तो पता चल गया। तुम लोगों की नीयत सारा देश जानता है। So what? What do you want me to do? Simple. कलेक्टर होने के नाते बस एक ऑर्डर देना होगा कि वो खेती करने वालों की ही जमीन है,
दे सकता हूँ, बट अब उस पर गवर्नमेंट का हक है। हम किसी फायदे के बिना कोई भी काम नहीं करते। पता है कितना चाहिए बोलो? उस जमीन की जो आज की कीमत है उसका दुगना चाहिए या 5 गुना चाहिए? सौ गुना चाहिए, 100 times। डैम के बनने से अब वो सोना उगाने वाली जमीन हो गई है। That would be its value tomorrow. रुकना नहीं, थकना नहीं, दर्द से तू डरना नहीं, दर्द सदा रहते नहीं रे, जुल्म से जो रुक जाए, मिट्टी में छुप जाए, वो दरिया बहते नहीं रे, जब रात का पर्दा हट जाएगा, आकाश चीर के सुबह होगी रे, दिन डूबा है रात हुई पर दिन फिर निकलेगा, दिल थोड़ा ना करना अंधेरा भी पिघलेगा पिघलेगा, छुप जाए जब तारे चांद भी आंख चुरा ले, तो तू यूं ही चलते रहना। ये तो नाइंसाफी है, हम लड़ेंगे, गवर्नर से मिलेंगे, लंदन कोर्ट जाएंगे। उन सब बातों के लिए समय नहीं है, ये कोई एक आदमी का काम नहीं, बड़ी साजिश है। ओके, दे दूंगा, पूरे दे दूंगा, पर मुझे 4 दिन का टाइम चाहिए। 4 दिन किस लिए? मेरे पास कैश नहीं है, सिर्फ जायदाद है। पुल की फाइनल सेटलमेंट के लिए पैलेस का गोल्ड और सिल्वर भी बेचना पड़ेगा, ऊपर से तुम्हें इतनी बड़ी कीमत देने के लिए पैलेस को भी बेचना पड़ेगा, उसी के लिए टाइम चाहिए। किसी दूसरे को क्यों बेच रहे हो? पुल के लिए पैसे मैं दे दूंगा, उस पैलेस को मुझे ही बेच दो, विद ऑल गोल्ड सिल्वर फर्नीचर एंड फिटिंग्स। डन, कल ही पैलेस के कागजात लेकर आता हूं। वेट, जैनट, can you please take her inside? Come along, darling. No, mommy. Won't you go now? Bye, daddy. See you later, my dear. Hamari deal puri karne ke liye I have 2 conditions. Number 1. Yahan jo bhi baat hui hai, tum bahar kisi ko nahi bataoge. Main un peeth piche baat karne walon mein se nahi jo aapke piche chupa hai. Dusri shart bolo. Us dam ko banane wale tum nahi, हमारी ब्रिटिश सरकार ने उसे बनाया, ऐसा कहना होगा। मैं उस डैम की खातिर और गांव वालों की खातिर कुछ भी कर सकता हूं, ओके? अपना वचन पूरा करोगे ना? See you tomorrow. Very good, sir. Tomorrow he's coming. I know. What to do, I know. Order जारी कर दिया है कि रायकोटे की सारी जमीन खेती करने वालों की ही है, इसे कलेक्टर की ऑफिस में संभाल कर दे देना। Yes, sir. आओ, 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 जल्दी आओ, जल्दी। देखा, उसने हम लोगों से 5-5 और 10-10 रुपए में ली थी ना हमारी जमीन, उसी के दस्तावेज है ये, हमारी जायदाद ब्रिटिशों को बेच रहा है। देखा कितना सारा पैसा है, ऐसे ही पेटियां भर भर कर कई बार लेके गया है। तुम्हें कैसे मालूम? यहाँ का एक पुलिस वाला मेरी बहन का बेटा है, उसने देखा है। कुत्ता क्यों भौंक रहा है? सिक्योरिटी, देखो कौन चलो, है। चलो भागो जल्दी, चलो। बाकी की सारी चांदी गाड़ी में है।
अभी भी तुम ऐसे कैसे मुस्कुरा सकते हो? गांव वालों के लिए डैम बनाने के चक्कर में तुम्हारा नाम गया, पोस्ट गई, तुम्हारे पैसे गए, पैलेस भी गया, लेकिन मन की शांति नहीं गई। ये सब रखकर तुम कितने साल जीने वाले हो? पर जो मैंने किया है उसकी वजह से लोगों की कई पीढ़ियां जिएंगी, तुम देखना। चलो सामी पिलाई। हरे रंग वाला ये रत्न का लिंग है, बहुत कीमती है, बाद में पिताजी से कहकर पहरा लगवा देंगे। ओके, बाद में गांव वालों को बताएंगे। हाँ। क्यों भाई दुभाष जी, तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो बाहर गांव गई है माँ जी। किस लिए? अगले बच्चे के लिए। गांव वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या वजह है। सारा गाँव जानता है कि शिवरात्रि के दिन मंदिर का उद्घाटन है। कोई कुंवारी लड़की हो तो बुलाइए, साफ मन से आकर दिया जलाने को कहिए, गांव के भले के लिए। भारती तुम जाकर दिया जलाओ। उनके घर में तुम्हें ही दिया जलाना है, जाओ बेटी। क्यों, मुझसे पहले तुमने फैसला कर लिया? जाओ बेटी। मुखिया जी, ये क्या हो रहा है? मुखिया जी, ये कहाँ ले जा रहे हो राजा जी को? मुखिया जी, मेरी बात सुनो, ये कहाँ ले जा रहे हो? राजा जी को छोड़ो। जाओ, चुपचाप ये गांव छोड़कर चले जाओ। आज के बाद इस गांव में पैर रखने के लायक तुम नहीं रहे, जाओ यहाँ से। मुखिया जी, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम, तुमने नहीं देखा, हम सभी ने देखा है। उस गोरे कलेक्टर से पेटी भरकर पैसे लेते हुए हमने देखा है। किसने? इन्होंने? इन्होंने उस दुश्मन से पैसे लिए? जी हाँ, पूछो इनसे, इन्होंने पैसे लिए थे कि नहीं? राजा साहब, क्या उस घोड़े से पैसे लिए थे आपने? लिए थे। देखा, इसने खुद मान लिया। बोलो किस लिए लिए थे पैसे, बोलो। ये क्या बोलेगा? वहाँ जो जो हुआ दूसरों को थोड़ी ना बताएगा। जिस खानदान से है बोलेगा तो उसकी बदनामी होगी। नहीं, इनको कैसी बदनामी? हाँ सामी पिल्लई, ये क्या बताएंगे? डैम बनाने से पूरब की जमीन सब पानी में डूब जाएगी। ये बोल बोल कर हमारी जमीन 5 और 10 रुपए में लेकर गोरे के हाथ कई गुना दामों में बेचकर कई पेटियां भर भर कर पैसे लिए हैं इन्होंने। बोलिए सच है कि नहीं? अरे क्या बोलने का, वो सारे दस्तावेज उस गोरे को देते हुए मैंने खुद देखा है। लेकिन हमारी जमीनें बेचने की इनको क्या जरूरत थी? पानी में डूबने वाली जमीन बांध बनाने वालों की होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? अभी ये इसी से पूछिए, डैम बनाने वाली ब्रिटिश सरकार है या ये? साहब सच सच बताइए, ये डैम क्या घोरों ने बनवाया है? जी हाँ, इस डैम को ब्रिटिश सरकार ने ही बनवाया है। तो फिर इतने दिन ये नाटक क्यों किया कि बांध आप बना रहे? अरे वो सब छोड़ो, हमसे ली गई जमीन के बदले राय कोर्ट से जो जमीन ली गई थी वो सब भी एक नाटक ही था ना। सब लोग इन्हें नोटिस दिखाओ। देखा, उन जमीनों को लौटाना होगा, ऐसा नोटिस मिला है। ब्रिटिश सरकार ने वो जमीनें पहले ही ले रखी थी, पढ़कर देखो। इस नोटिस का क्या जवाब दोगे? हमारी खेती की सब जमीन गई, अब हम क्या करेंगे? इसका इलाज मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उससे तो मैं... रुक जाओ, दोबारा इस गांव में कदम रखने का ख्वाब भी मत देखना, चले जाओ। हाँ, हम उन गोरों से कैसे लड़ सकते हैं? हम सब मिलकर उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो जरूर हमारी जमीनें वापस दे देंगे।
सुनो, ये सब कुछ करने की एक राजा को क्या जरूरत है? व्यापार, जैसे सभी धनी लोग व्यापार करते हैं वैसा ही इन्होंने भी किया है। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इतने सालों का तजुर्बा है मुझे, इनका चेहरा देखो, ये दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। ए बुढ़िया, तू तो ऐसा बोलकर निकल जाएगी, सहना तो हमें पड़ेगा। जाओ साहब, जाओ जाके चार महल और बनवा लो, जाओ। अरे देख क्या रहे हो, देखो कुछ भी बनाना बहुत मुश्किल काम है और बिगाड़ना बहुत आसान है। इसके बाद भी तुम यहाँ रुके तो इतने सालों की मेहनत से बनाए गए बांध को सब गांव वाले मिलकर तोड़ देंगे, देखना है। सब वो देख लेगा। धन्यवाद। एक तरफ पाप किया और दूसरी तरफ मंदिर बनवाया, चलो उस मंदिर को ही तोड़ देते हैं, चलो सब। दिन डूबा है रात हुई पर दिन फिर निकलेगा, दिल थोड़ा ना करना अंधेरा भी पिघलेगा पिघलेगा। छुप जाए जब तारे चांद भी आंख चुरा ले तो तू यूं ही चलते रहना, बन जा रे बन जा रे बन जा रे बन जा रे ओ बन जा रे बन जा रे बन जा रे। सुबह से मिलने को रात भर अगर चलना पड़े, ओ राही रुकना नहीं, सुबह दूर नहीं। भारती, तुम यहाँ क्यों आई हो? कहाँ जाओगी? नीचे उतरो। अपना गांव छोड़ के कहाँ? ट्रेन चल पड़ी है, नीचे उतरती हो या नहीं? मरने को कहोगे तो मर जाऊंगी, पर वापस उस गांव में मैं नहीं जाऊंगी। किसी का दिल साफ नहीं है वहां, पर मैंने साफ दिल से ही दिया चलाया था। इस बात से किसने इनकार किया है? अगर आपको मैं पसंद नहीं तो किसी और गांव में उतार देना, पर यहां मत छोड़ना। अब क्या होगा? अब होगा क्या? बांध टूट जाएगा और सारे गांव को बहा ले जाएगा। तेरे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती क्या? अच्छी बात निकलेगी तो क्या डैम नहीं टूटेगा? राजा विलायत में पड़े हुए इंजीनियर है, मजबूत ही बनाया होगा। अगर इतना विश्वास है तो बोरिया बिस्तर लेकर हमारे साथ क्यों निकल पड़े? आप चुप रहिए।
कहा था वो भला आदमी है, पर मेरी एक नहीं सुनी तुम अक्कल के दुश्मनों ने। नमस्कार साहब। नमस्ते साहब। क्या बात है? देखो ना साहब, इतनी जोरदार बारिश हुई उसके बाद भी वो नया डैम मजबूती के साथ खड़ा है। वो राजा व्यापारी जरूर था, पर कमाल का इंजीनियर भी था। बहुत अच्छा डैम बनाया। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो यार साहब? सच तो ये है कि ब्रिटिश सरकार के बनाए इस डैम की हिफाजत अब आप ही को करनी है। हाँ सर जी, अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस गांव में खुशहाली आ जाए तो आप ही को डैम का पानी गांव वालों के लिए खोलना होगा सर। उसी के साथ आपके सरकार ने जो रायकोट वाली जमीन ली है वो खेती बाड़ी करने वाले किसानों को वापस कर दीजिए। हाँ साहब, टैक्स जितना चाहे लगा लीजिए, पर वो जमीनें हमारे अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो पहले उस डैम के बाहर एक पत्थर लगवाना होगा जिस पर लिखा होगा ये डैम ब्रिटिश सरकार ने बनाया है और उसका उद्घाटन तुम्हें मेरे द्वारा करना होगा। उसके बाद में ही मैं बाकी की... किसी और के बनाए डैम को अपना नाम दे रहे हो? आई एम नॉट अशेम्ड। गो इनसाइड एट वंस। व्हाई शुड आई? उस राजा की जो जो चीजें तुम हड़पना चाहते थे वो तो तुमने ले ली है, उतना काफी नहीं है क्या? और अब तुम बुजदिलों की तरह उनका नाम भी छीनना चाहते हो? Would you change your father's name also? Janet! Shut up! You cunning bastard! तुम लोग सब बेवकूफ हो, किसी के भी पैरों में गिर जाते हो। उस डैम को किसने बनवाया है तुम नहीं जानते हो, पर मैं जानती हूँ। 100 गुना चाहिए। ओके, पुल के लिए पैसे मैं दे दूंगा। यहाँ जो भी बात हुई है तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे। पर जो मैंने किया है उसकी वजह से लोगों की कई पीढ़ियां जिएंगी, तुम देखना। चलो सामी पिल्लई। Hey, what you doing, idiot? ये देखो, उस राजा ने अपना सब कुछ इसके हाथ बेचकर तुम्हारे और तुम्हारी जमीनों के हाथ में लिया हुआ ऑर्डर। See my husband's, sorry, the collector's signature on it. That man, that Raja is your god. Don't you ever come looking for this devil here again. Get out of here. मैडम, गोरे लोगों में भी कुछ अच्छे इंसान होते हैं, यह आपने आज साबित कर दिया। बहुत धन्यवाद। Where are you going? Back to England. I'm ashamed to live with you anymore. Please, don't go. Janet, I please. I want to leave you. I can't cope with this anymore. Please, listen to me, Janet. You're an embarrassment. Janet! Listen, but there's nothing wrong on my part. I just behave according to the government. Oh, it's known to the world our government's been looting this country for generations. But there's real justice and even bravery in it. You're nothing but a coward, and I will not live with a coward anymore. But I did all this for you. For what? For me? You wanted to bury me in that palace. Janet! Please, Janet. Let go of me. I can't live without you. I can't live without our child. Please, Janet. Then do one thing. I am sorry for what I have done. It was Raja Lingeshwaran who built this dam, not the British. Thank you. अरे ये कतार से इसे छोड़ो मत। राजा लिंगेश्वरन, मुझे माफ कर देना। मुखिया जी, इतना क्यों सोच रहे हैं? बिना सोचे समझे उनके बनाए मंदिर को हमने बंद कर दिया। इस भूल के लिए उनसे माफी मांगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ भारती, उनसे माफी मांगकर उन्हीं को बुलवा कर इस मंदिर का उद्घाटन करवाएंगे। हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए। इस पैलेस को तो उन्होंने कब का बेच दिया है।
यहाँ काम करने वाले सारे लोगों को गांव, जमीन सब देकर कहीं चले गए। उनकी बदौलत हम सब सुखी हैं। इस मंदिर में जो लिंग था उसे ले जाते समय ही उन्हें आखिरी बार देखा था। अब से सोलियर गांव ही मेरा घर है। वहाँ मेरे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं। ऐसा कहकर वो यहाँ से चले गए। इस जैसे उनके बहुत सारे पैलेस हैं। चाहे तो वहाँ जाकर पता कर लीजिए। रात को इस धर्मशाला में सोकर सुबह उठकर ढूंढेंगे उन्हें। सही बोल रहे हैं। कैसे भी करके हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। उसके बिना हम वापस गांव नहीं जाएंगे। बाबा, भूख लग रही है। इस वक्त कहाँ खाने पीने की कोई दुकान खुली होगी। अभी चुपचाप सो जाओ, सुबह देखेंगे। बच्चे को ही नहीं, सभी को भूख लगी है। हमें भी। श्रीमान। कौन है? सुना है यहाँ कुछ खाना मिलेगा। अंदर आके बैठिए। आइए। पहले इससे शुरुआत कीजिए, भोजन अभी तैयार हो रहा है। hey, बोल रहे थे कि भूख लगी है, अब वहां क्या देख रहे हो? खाइए। बेटी भारती। हाँ बाबा, पहले कुछ खा लीजिए, फिर बात करेंगे। खाइए। ये सब क्या है बेटी? ऐसे क्यों हो गई? अच्छी तो हूँ, भूख लग रही होगी। पहले खाइए। साहब कहाँ गए? वो पीछे है, आप पहले खा तो लीजिए। साहब मुझे माफ कर दीजिए, इस पापी को माफ कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? आप तो बड़े हैं। आपसे ज्यादा नहीं। पहले आप रोना बंद कीजिए। कब आए ये सब? अभी अभी साहब। खाना वाना खाया? नहीं। चलिए पहले खाने की तैयारी कीजिए। चट्टाने टूटेंगी, नदियां जब फूटेंगी, धरती सींच जाएगी रोज सवेरे। हो राही दूर नहीं, जब तेरी सूखी जमीन फिर से सींच जाएगी रोज सवेरे। कल जो गया वो बीत गया, चांद भी आंख चुरा ले तो तू यूं ही चलते रहना। बन जा रे, बन जा रे, बन जा रे, बन जा रे, ओ बन जा रे, बन जा रे, ओ बन जा रे। खाना कैसा लगा? इसे खाना थोड़ी ना कहते हैं, आपने तो दावत दे दी। दावत कहाँ। अच्छा डैम कैसा है? जोरदार बारिश, तेज हवा और बाढ़ में भी बिना किसी नुकसान के मजबूत खड़ा होगा। बहुत मजबूत है, आप ही की तरह। और हजारों सालों तक बांध को कोई हिला भी नहीं सकता। अच्छा गांव में सब कैसे हैं? उसे छोड़िए, आप ऐसे क्यों हैं? ओ
मुझे राजा के रूप में, कलेक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में और अब बावर्ची के रूप में देखा, इसलिए पूछ रहे हो ना? हम क्या काम करते हैं ये जरूरी नहीं, जो भी काम करें सच्चे मन से करें ये जरूरी है। 36 ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள எல்லாம் நல்லா வாழ வச்ச நீங்க இப்போ இங்க இப்படி எனக்கு எதுங்க குறைச்சல் வரவங்க தங்க வைக்கிறதுக்கு அப்பா கட்டின சத்திரம் இருக்கு யாரு வந்தாலும் இல்லைன்னு சொல்லாம உயிர் நிறைய சாப்பாடு போடுற அளவுக்கு வசதி இருக்கு பாத்தீங்களா எத்தனை கருவ மாடி இருக்குது வேற என்ன வேணும் அது இல்லைக்கு ராஜ்மஹல் சப் பேச் தியா ஆப்னே ராஜா தே ஆப் வஹா ஆர் யஹான் கியூ யஹான் பீ ஹம் ராஜா ஹீ ஹேன் ஆர் ஆப்கி பேட்டி ராணி ஹே ஹம் சாஹே ஜஹான் பீ ரஹே खुशी खुशी गरीबों की सच्चे मन से मदद करने वाले सब लोग राजा ही होते हैं। आप कुछ भी कहें, लेकिन हम आपको पहले जैसे राजा के रूप में ही देखना चाहते हैं। उसके लिए ये सब काफी नहीं है। आपने जो जमीनें हमें दी थी वो सारी जमीनें हम आपको लौटा देंगे। आप अपने राजमहल को वापिस खरीद लें और पहले की तरह तंदुरुस्त 100 बरस सुखी रहें। अभी भी मैं चाहूँ तो फिर से वही जिंदगी जी सकता हूँ। लगाव है, उत्साह है, ताकत भी है, लेकिन वो जिंदगी देख ली, ये जिंदगी मुझे पसंद है। भारती से भी पूछा, उसके लिए भी ये काफी है। और मैं सच कहूँ, अगर दिल में संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष ना हो तो कहीं भी। एक काम करते हैं, आप हमारे गांव चलिए, हम सब आपकी राजा की तरह सेवा करेंगे। मैंने इस दुनिया में जन्म लिया उसकी कोई निशानी छोड़कर जाना चाहता था। सोलेयूर का डैम ही मेरी निशानी है, अब मेरा काम वहाँ पूरा हो चुका। राजा साहब, जो हुआ उसे दिल में मत रखिएगा, उस संबंधम की वजह से। वो सारी पुरानी बातें जाने दो। मापले ने खूब लाला। Yes. अपने बनाए हुए मंदिर का उद्घाटन करने गांव आना होगा। उस गांव में एक बार जो टूट गया उसे वापस नहीं जोड़ सकते। प्लीज मुझे मजबूर ना करें। चलता हूँ भारती अक्का। चलता हूँ बेटी। बाबा, आपको और माँ को जब भी मिलने का दिल करेगा संदेशा भिजवाऊंगी, आप लोग आएंगे ना? करुणाकर, इधर आओ ना। अरे हाँ, गांव के लोगों से कहना मैं अपने महल में बहुत खुशी से हूँ। उन्हें ये सब बताओगे तो बेवजह दुखी हो जाएंगे। ये लो। इतनी मेहनत हमने उनकी भलाई के लिए ही तो की थी, याद रखना। बस इतना कहूंगा राजा साहब कि जब भी आपका मन करे बेहिचक गांव आ जाइएगा। जब तक आप नहीं आएंगे आपके हाथों बनाया गया मंदिर बंद ही रहेगा, मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूं। उस दिन मेरे पिताजी की खाई हुई सौगंध 70 साल बाद उस राजा के वारिस के हाथों आज पूरी हुई है। राजा की इच्छा अनुसार ही शिवरात्रि के दिन मंदिर खुला और पूजा संपन्न हुई। और आप इस भले इंसान को चोर कहकर अपमानित कर रहे हैं, हैं? देखिए, सिर्फ ये मूर्ति ही नहीं, ये मंदिर, ये बांध, हरा भरा ये गांव और इससे लगे हुए सैकड़ों और गांव, ये सब उनके परिवार की ही संपत्ति है जो उनकी हमें दी हुई भिक्षा है। तो अपनी ही दौलत चुराने की उन्हें क्या जरूरत है, हैं? लिंगा,
अब से मुझे लिंगा मत कहना, लिंगेश्वरन ही बुलाया करो। ये नाम मुझे दिया गया, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। गांव में रुकोगे कह रहे थे ना, फिर? उनका नाम मैं बदनाम नहीं कर सकता। एक मिनट लिंगा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। राजा जी की ये यादगार मेरे दादाजी ने रखी थी। बेटा, एक जरूरी बात कहनी है। मंदिर को खोलने की बात राजा जी ने मेरे सपने में नहीं कही थी, वो झूठ था। इस डैम को इंस्पेक्ट करने वाले चीफ इंजीनियर ने कही थी। इस गांव को अगर आपको बचाना है तो मंदिर खुलवाइए, मंदिर खुलवाइए। उससे कहे अनुसार मंदिर तो खुल गया, पर पता नहीं इस गांव पे कौन सा खतरा है। गांव वालों को लगता है उस इंजीनियर को जंगली हिरन ने मार डाला है, मगर मैंने खुद 4 लोगों को उसे चाकू मारते देखा है। बेटा, पिछली बार ये गांव खत्म होने वाला था, तब तुम्हारे दादाजी ने ही इसे खत्म होने से बचाया था। 70 बरस के बाद इस गांव में फिर से आफत आई है, अब तुम्हें ही हमें बचाना होगा। गांव को बचाने के लिए मंदिर क्यों खुलवाया? मंदिर तो हमने ही खोला था ना। ए, अपनी पीली थैली दो। पब्लिक टीवी के सभी दर्शकों को लक्ष्मी का नमस्कार। आज कैंसर के अवेयरनेस के लिए हॉट एयर बलून उड़ाकर सोलायुर के एमपी श्री नागभूषण ने प्रचार का शुभारंभ किया। அந்த சர்டிபிகேட் கிடைச்சதுன்னா கொடுத்துரு. கிடைக்கலனா வீட்டையே கொடுத்துரு. உத்தமனுக்கே மான் கும்புனா கைய நீட்டி 1.5 கோடி அட்வான்ஸ் வாங்கிருக்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ, பொசிக்கிடுவேன். வேணா சார், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க சார். குட், நாளைக்கு டேம் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வர இல்ல? ஆமா சார். அங்கே 50 மீட்டருக்கு ஒரு இடத்துல ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட போறல்ல? ஆமா சார். அந்த சின்ன சின்ன ஓட்டல எங்க ஆளுங்க குடுக்கற பாம்பை வச்சுட்டு கனெக்ட் பண்ணி டேம் வீக்கா இருக்குன்னு சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இரு சார். பாம்ப போய் வெடிக்காதுல்ல சார்? ராத்திரி நான் தான் ஒன்னா வெடிப்பேன், தண்ணி போற சத்தத்துல ஊருக்கு ஒண்ணுமே கேட்காது. பாம்பு வெடிச்சு டேம் உடஞ்சிருச்சுன்னா? டேய், பாம்பு எந்த ஊரு எந்த என் தொகுதியை நானே அழிச்சுக்குவேனா? போடாப்போ, சீ யூ டுமாரோ. கோயி ஜரூரி பாத் கரனி ஹோகி மேடம், பஸ் ஆதே ஹி ஹோங்கே. ஹாய் லச்சு, किस लिए बुलाया आपने? कम सिट इन द कार। और कितने दिन वेट कराओगी? मैंने थोड़ी ना कहा था वेट करने को। नहीं, पर बचपन से मालूम है ना। मालूम है। मेरी दाढ़ी देखो, सफेद हो गई है। मिनिस्टर बनने के लिए डाई नहीं लगा होगा। देखो तो इसको। कला के दादाजी से बात कीजिए, चलती हूँ। अरे, आज सूरज कहाँ से निकला है? Hey, जब अच्छा होना होता है तो एक साथ ही होता है, और जब बुरा होना हो तो एक साथ ही होता है। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर को फोन करो। क्या बात है, सब लोग रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? हमें पता चल गया है तुम सब यहाँ क्यों आए हो। क्यों तुम्हें पता नहीं? यहाँ किसी को भी पता नहीं, हम यहाँ इस डैम का इंस्पेक्शन करने आए हैं। कोर्ट ऑर्डर है, पुलिस बंदोबस्त है। पुलिस ना भयपुरना कोड़ा पसंगला इल्ला नांगा पागा तो पुलिसा। हाँ, और अभी पिछले ही महीने जो डैम का इंस्पेक्शन हुआ था उसका क्या हुआ? इनसे पूछो, इन लोगों को कोई और काम ही नहीं है। पूछ रहे हैं ना,
जवाब दो, इनको भी हक है पूछने का। अब आपको क्या बताऊं मैं, पिछले महीने हमारे चीफ इंजीनियर साहब इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखने से पहले ही चल बसे। वो मरे नहीं, उनकी हत्या की गई थी। ये देखिए, वो अलग केस है। अगर उस इंजीनियर ने रिपोर्ट दे दी होती तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसने कहा रिपोर्ट नहीं दी? हजारों सालों तक इस डैम को कुछ नहीं होगा, इतना स्ट्रांग है ये। ऐसा लिखकर गवर्नमेंट सील लगाकर दस्तखत करके स्कैन करके मंदिर के अंदर डाला था। जब मैंने मंदिर खोला तब सब कुछ पुराना था, सिर्फ ये रुद्राक्ष ही नया था। अब ये नई चीज ही पुराने डैम को बचाने वाली है। ये लो, इस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर देखो। लैपटॉप लिया। डिलीट कर दिया? ठीक है ठीक है, मुर्गा ऑलरेडी बांग दे चुका है, टोकरी डालने से कोई फायदा नहीं है। सर जी, वो ऑलरेडी फेसबुक, ईमेल, ट्विटर, वी चैट, आई चैट, ऑल चैट बस में समझ गए। लिंगा सर, जब ये लोग आ ही गए हैं तो इनको ड्यूटी पूरी करने दो, एक ही बजाय दो अच्छी रिपोर्ट मिलेगी तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। एमपी सर, ये डैम का इंस्पेक्शन करने नहीं, उसमें बम लगाने आए हैं। किसने बोला? आप ही ने तो कहा था। क्या बकवास कर रहे हो? लक्ष्मी डार्लिंग, तुमने चेस करते हुए जो रिकॉर्डिंग की थी ना, जरा दिखाओ सबको। सब कुछ रेडी है, एलईडी स्क्रीन को ऊपर करो। वेट, उधर देखो, स्क्रीन वहाँ है। बहुत खतरनाक लड़की है ये। छी, कैमरा कहाँ कहाँ रखती है किसी को पता नहीं चलता। हेलो, वहाँ देखिए शुरू हो गया। देखिए देखिए, वन गुड न्यूज, कल डैम का डैमेज सर्टिफिकेट आ जाएगा। हाँ, आधा पैसा ही दिया ना तुमने, बाकी की 4,000 करोड़ मेरे स्विस बैंक में। हाँ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, इस बार मिस हो ही नहीं सकता। कल डैम को इंस्पेक्ट करने नहीं, बॉम्ब लगाने आ रहे हैं। आगे कोई भी डैम के सेफ्टी का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए या खुद इंस्पेक्ट करवाए, डैम वीक ही होगा। ठीक है, तो कल ही पैसा ट्रांसफर कर देना। क्या मजाक कर रहे हो? क्या यही सुनने के लिए मैंने अपनी पार्टी, अपनी गवर्नमेंट, अपनी गुडविल सब इस्तेमाल करके नया डैम बनवाने के लिए 40,000 करोड़ सेंटर से सैंक्शन करवाए थे? तुम मुझे 20% देने में रो रहे हो? तुम भी 20-30% कमाने वाले हो ना? फौरन मेरे पैसे ट्रांसफर कर दो। इसे क्या घूर रहे हो, ये हमारे साथ है। मुझे पहले ही तुम पे डाउट था, तभी तो लक्ष्मी को तुम्हारे फंक्शन में मैंने भेजा था। तेरी तो भिखारी रास्कल, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुझे जिंदा जला डालूंगा। मैं समझ गया, तुमने ही उस इंजीनियर को मार डाला। तू भी कोई एमपी है, है? अपनी वोट देने वाली जनता को खत्म करने चला था है? वो क्या हमें मिटाएंगे, हम ही ने खत्म कर देते। एक कदम भी आगे बढ़े तो मेरे आदमी का वालों को मार डालेंगे और मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। डोंट मूव। Hey, इंडिया में एक ही डैम है क्या? तेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये नहीं तो कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी पहुंच के बारे में नहीं मालूम। hey, मदुरई एयरपोर्ट ले चलो जल्दी। क्यों बे, भीड़ में औरतों को धक्का देने वाले जैसा चेहरा है तो डैम को धक्का देगा? हाथ उठा वरना भून दूंगा। ठीक, मैं बता दूंगा सर। हाँ, आपको पार्टी से निकाल दिया। शिट, शिट, शिट। चार हजार करोड़ रुपए गए, गांव में मेरी इज्जत गई और पार्टी में पोजीशन भी गई। जिससे मुझे शादी करनी थी उसने भी मुझे धोखा दिया। I'm going to kill you.
सब कुछ खोने के बाद अब उस गांव की जरूरत ही क्या है, है? सिर्फ लिंगा ही नहीं, वो बेकार का डैम भी नहीं बचना चाहिए। गाड़ी को वो जहाँ बलून फंक्शन था वहाँ ले चलो जल्दी। ए, वो नाइट्रोग्लिसरिन वाला बॉम्ब है ना, उसको रेडी करो और एक बलून में रख दो। मैं वही आ रहा हूँ। क्या क्या कितना देर? ऊपर चला जाएगा सर। जाओ, देर में जल्दी ऊपर। मुझे कुछ नहीं मालूम। इतना सब करने के बाद भी बच के भागना चाहते हो? या वाया श्रीलंका, वहाँ किनारे पे मेरे लिए यॉट वेट कर रही है। कुछ नहीं होगा, अब मुझे रोकने वाला कौन है? उधर देखो। हेलो, बाइक तो अच्छी है पर उसके पंख नहीं है, पंख नहीं। डैम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मेरी कैलकुलेशन से 3 मिनट सर। 3 मिनट? 3 मिनट का टाइमर सेट करो बॉम्ब में। अब ये बॉम्ब तुम्हारे ऊपर लगाकर वी और अगले 3 मिनट में तू, तेरा लिंगा, उसके दादा का बनाया हुआ डैम, ये गांव, सब सब कुछ। Yeah!
अरे ये क्या बुजुर्ग हैं आप, ऐसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? साक्षात राजा लिंगेश्वरन को देख रहा हूँ ऐसा लगा। बेटा हमारे साथ ठहर नहीं सकते क्या? ये तुम्हारा ही गांव है। आऊंगा, इस दुनिया में इसी निशाने की खातिर जी रहा था। मैं भी कुछ बड़ा काम करके वापस यहीं आऊंगा। मैं फंसा ही दिया सालों ने, सारी इज्जत का कचरा होने वाला है। सोचा था दादा का नाम बिगाड़ने से पहले चला जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लिंगेश्वरा, तो ये है, सोच रहा था अभी तक क्यों नहीं आए, आखिरकार आ ही गए। ये कौन है तुम जानते हो? यही है वो फिनिशिंग कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर। कितना भी बड़ा केस क्यों ना हो, फिनिशिंग टच यही देते हैं। ये क्या सर, मुझे क्यों सैल्यूट कर रहे हो? आपको पकड़ने के लिए ही गवाहों के साथ इस गांव में आया था, पर पता लगने पर और राजा लिंगेश्वर की कहानी सुनकर आपके लिए खास इज्जत पैदा हो गई सर। सर क्या बात है? आप कोई फिक्र मत कीजिए, दरअसल बात यह है कि इस गांव और डैम को बचाने के लिए इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा, हम इसलिए इन्हें बाइज्जत यहाँ से ले जाने आए हैं। मेरे दोस्त हैं। हमारे दोस्त। फिर भी एक छोटी सी इंक्वायरी है, जीप में चलकर बैठेंगे? हमारी इज्जत बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। आज के बाद तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ही हो हमारे राजा। सॉरी। यार जब सब जमा थे तब क्यों नहीं आई? ए राजा की जोड़ीदार है रानी, इम्पोर्टेंस तो चाहिए ना, इसलिए आखिरी में एंट्री दी है। दादाजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओ मैडम, दैन कार्ड आने वाला है, स्लो मोशन में क्यों आ रही है, जल्दी आओ ना। तो क्या इनको भी ले जाना होगा इंक्वायरी के लिए? ना सर, आपकी छत्र छाया में इनकी शादी करवानी है। ओके डन। इनकी हाइट इतनी है कि लॉरी पे भी चढ़ जाएंगी, हाथ देने की क्या जरूरत है? कबूतर।